लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। एहिर चुप, तू देखने रही। मैं पीर बाबा से कुछ मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा है तू, बता दूँ? बता। मैं पीर बाबा से मांग रहा हूँ जब हम लुक्का छुपी खेले तो पीर बाबा मेरी मदद करे तुझे ढूंढने में। फिर भी तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों? पीर बाबा हमारे हैं, तुझसे ज्यादा वो मेरी मदद करेंगे छुपने में। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात है। तो फिर तू छुप के देख ले, पहले तू आंखें बंद कर। अच्छा। मोतीचूर के लड्डू इसी हलवाई से बनवाए थे। अच्छा। अरे हीरे, तू कहाँ भागी फिर रही है? मैं दीदो के साथ लुका छुपी खेल रही हूँ। दीदो कौन? वो भी यहाँ शादी में आया हुआ है, वो देखो। ये लड़की भी तौबा है, पहुँचती बाद में है, रिश्ते पहले जोड़ लेती है। ऐसी प्यारी बच्ची के साथ कौन रिश्ता नहीं जोड़ेगा। मैं तो खुद अपने बेटे सैदा के लिए तेरी बेटी हीर का हाथ मांगने वाली थी। सैदा की माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरी हीर ने होश भी नहीं संभाला। इसके होश संभालने तक तो रब जाने कितने ही रिश्तों के पैगाम तेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे होंगे। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो जिसकी शादी में आए हैं उसकी खुशी में शरीक होते हैं। उनकी खुशी में तो तब शरीक होंगे ना जब उनको मौजू चौधरी की खातरदारी से फुर्सत मिले। मौजू चौधरी को भी बुलाया है? और नहीं तो क्या, वो देखो। अरे चौधरी साहब, आपके खानदान की किसी भी रस्म में शामिल होना किसी भी खानदान के लिए बड़ी इज्जत की बात है। भला हम क्यों नहीं आते? ये दे दो, इधर आ। अब्बा हम लोग लुक्का छुपी खेल रहे हैं। बहुत शरीफ है, कहीं टिक्के नहीं बैठता चौधरी साहब। नजरे बद्दूर, ये तुम्हारा सबसे छोटा बेटा है ना? अब्बा। ओए हीरे मेरी बेटी। चौधरी ये लोग यहाँ कैसे? भाई जैसे तुम्हें बुलाया है वैसे इनको भी बुलाया है, और तुम दोनों को यहाँ बुलाने की एक वजह और भी है। तुम दोनों के हाथ मिलवा कर तुम्हारी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना? मैं भी लेकर आता हूँ। आओ चौधरी आओ आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। भाभी और बच्चे तो कब के आ गए, तुमने आने में कहाँ देर कर दी? आने में तो कुछ देर हो गई चौधरी, लेकिन जाने में देर नहीं होगी। छोटे चौधरी कैसी बात कर रहे हो? इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती चौधरी। तुमने इन लोगों को यहाँ बुलाना था तो फिर हमें क्यों बुलाया? इसलिए कि अपने पोते की शादी के मौके पर तुम दोनों की पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलकर दोहरी खुशी बनाई जाए। ये नामुमकिन है चौधरी। चौधरी दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है। ये सब बातें बाद में करेंगे और पहले कुछ खा पी लो। जब तक हमारे दुश्मन इस घर में मौजूद है चौधरी, हम इस घर का पानी तक नहीं पियेंगे। हमारी मौजूदगी में सिर्फ इसी घर का नहीं बल्कि कहीं और का पानी पीने के लायक भी नहीं रहोगे। कह दो। तेरी मौजूदगी में हमें पानी की जगह खून पीने की आदत जो पड़ गई है। बोल, पिछली बार की तरह आज किसका खून पिलाने आया है? तेरा। कह दो तेरा। वो बड़े बाप का बेटा है क्या? जिस मकसद और जज्बे के तहत मैंने आप लोगों को यहाँ आने का दावत नामा दिया था, आपकी इन हरकतों ने उस जज्बे का नहीं बल्कि मेरी और मेरे प्यार की तौहीन की है। जलील किया है मुझे, जलील किया है। अपने पोते की शादी पर ऐसे दोस्त ऐसे बिरादरी वाले मुझे नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हमें भी यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है।
चौधरी क्या बोल रहा है तू? जहाँ पर ऐसे कमीने मेहमान बुलाए जाते हैं हमें वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और चल उठ। कब मिलेंगे? जब पीर बाबा मिलेंगे मैं दुआ करूंगी। चल ही चल दे दो। यूं तो इश्क की ये दास्तान बहुत पुरानी है मगर वक्त के साथ साथ इसका अंदाज़े बयां बदलता रहता है। कल तक लोगों ने इसे अपने अंदाज में बताया था, आज हम अपने अंदाज में सुनाते हैं क्योंकि इश्क तो इश्क है, खुदा ही जाने इसके और कितने माने हैं। सुबह शाम तेरा तो बस यही काम है। अब तो ये बेचारा चराग भी उब गया होगा मगर तू नहीं थकी। अरे कुछ तो पता चले तो दुआ क्या मांगती है? पता भी चल जाएगा तुझे एक ना एक दिन। उतावली क्यों होती है? उतावली और मैं, अरे यही देखते देखते तो मैं इतनी बड़ी हो गई मगर आज तक मुझे कुछ पता ना चला और तू मुझे उतावली कहती है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है बेगो, इसलिए थोड़ा और सब्र कर। वक्त आने पर जरूर बताऊंगी मैं। वक्त आने पर क्या बताएगी हीरे? कुछ नहीं अम्मी, ये भी कोई बताने की बात है कि चिराग के सामने क्या दुआ मांग रही थी। ओ इधर आओ, मैं बताता हूँ लड़कियाँ क्या मांगती हैं। लड़कियाँ और क्या मांग सकती हैं सिवाय इसके कि उन्हें एक अच्छा शौहर मिले। अब्बा, अब ये बच्ची नहीं रही और आप इतना लाड भी मत किया करो इसे, वरना कहीं ये बला सर चढ़ गई तो उतारे नहीं उतरेगी। तुम फिक्र मत करो सुल्तान भाई, तुम्हारा सर तो सलामत है ना। किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर मुझे बला सर चढ़ाना आता है तो उतारना भी आता है। अरे अब तू चलेगी भी या लाड़ी करती रहेगी? चल चल। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दरिया पर, बारादरी में। वो क्या है मैं जीनत आई ससुराल से, हम लोगों ने उसे वहाँ बुलाया है। अच्छा वो अच्छा जल्दी लौटाना। शाम तक लौटाऊंगी, चलना जल्दी। अबा, मैं सोच रहा था वो हमारी चिंचोट वाली जो जमीन है वहाँ बगैर उसकी देखभाल मुश्किल है, तो क्यों ना हम चाचा कैदो को वहाँ भेज दें? अरे ना ना, ऐसा कदम मत करना। उस पाल को वहाँ नहीं भेजना,
वो जाकर वहां सिर्फ दो काम करेगा, एक तो सब मजदूरों से भांग घुटवाएगा और फिर सारी जमीन पर भांग बो देगा। उस भंगोड़ी को यहीं रहने दो। भांग बनाने वाले उस परवरदिगार की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरा बस चले तो मैं दुनिया भर की जमीन जुतवा कर उसमें भांग बुआ दूं। फिर जिंदगी कटे तो भांग पीते, भांग घोटते और भांग की छांव में सोते। पीते ही बदन के हर कोने में ठंडक, हर जोड़ में तरावट, हर शय में सजावट और हर रग में बगावत। वाह! इसे पीने के बाद ही मेरी आंखें खुलती हैं। इसके बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ। अरे काजी साहब, बच के कहां जा रहे हैं, आइए। अरे काजी साहब, कहां जा रहे हैं? खुदा ने जिंदगी बख्शी है तो उसका कुछ तो लुत्फ उठाइए। क्या भांग घोटी है पट्टो ने? दो कटोरी पियेंगे तो खुद को खुदा ना समझने लगे तो मुझे कहना। लाहौल मिला कुव्वत, अब तुम खुदा का भी मजाक उड़ाने लगे। तौबा तौबा तौबा। अरे मैं पूछता हूँ, कह दो तुम इतनी भांग क्यों पीते हो? अरे काजी साहब, ये तो मेरी दवा है, मेरी टूटी टांग का मरहम। इसे पीते ही मेरे सब दर्द गायब हो जाते हैं, सब गम गलत हो जाते हैं। गम क्यों? यूं कहो कि तुम खुद गलत हो जाते हो। देखो, इतनी कोशिशों के बावजूद भी इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और तुम अभी तक नहीं सुधरे। अरे यही अकेलापन तुम्हें काटने को दौड़ेगा सारी उम्र। काहे का अकेलापन? ये भांग जो है मेरे साथ, जब इसके सहारे इतनी गुजर गई तो बाकी भी गुजर जाएगी। अपना तो अब ये है काजी साहब की भांग पी और जी, बाकी सब अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तुम नहीं सुधरोगे, कह दो कभी नहीं सुधरोगे, ये सारे आसार नाउमीदी के हैं। देखो कह दो, दूसरों से नाउमीदी चलती है लेकिन खुद से नाउमीदी बड़ी खतरनाक होती है, समझे? चलता हूं, खुदा हाफिज। काजी साहब, नाउमीदी? कैसी नाउमीदी? वो देखो, मेरी उम्मीदें चली आ रही हैं। एक साथ कितनी सारी उम्मीदों। ऐ मैंने कहा सोनियो, रास्ते का रोड़ा समझकर कम से कम एक ठोकर ही मार दो प्यार से। ठोकर क्यों? हम तो तेरे जैसों के लिए जुतियां भी साथ लेकर चलती हैं। अरे सुभान अल्लाह, इसी बहाने हमें याद तो कर लेती हो। लगता है लंगड़े ने आज ज्यादा ही भंग चढ़ा रखी है। अरे भांग की कसम, तेरे मुंह से लंगड़ा सुनकर भी मुझे बुरा नहीं लगता, मन में गुदगुदी सी होती है। तेरी ये गुदगुदी मिटाने वाली दवा भी है मेरे पास, कहे तो पिला दूं। अरे तू प्यार से जहर भी पिला देगी तो मैं पी लूंगा। निकालो नहीं अपनी अपनी जुतियाँ। शुक्र कर, तेरे हुस्न की हसरत में अपनी तौहीन का जहरीला घूंट चुपचाप पी जाता हूँ, वरना इतना जहर है कैदों की हर सांस में कि एक फुंकार मारूंगा तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। वाह चाचा, आज फिर ये दुनिया भस्म करने पर उतरा है। अब्बू ने कितने बार तुमसे कहा कितनी भांग ना पिया करो, जब भांग का नशा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ जाता है तो तुम्हें गलत ऐसे ही कुछ नजर नहीं आता। और तुझे और तेरे अब्बू को तो जैसे सब कुछ नजर आता है, जो जवान बेटी को खुला छोड़कर सारा दिन घर में बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। तुम्हारी जगह किसी और ने बात की होती तो उसे ऐसा जवाब देती कि जिंदगी भर मेरे सामने मुंह खोला भूल जाता। अच्छा? हाँ, फिर कभी ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। रब बुरी नजर से बचाए। जीनत, शादी के बाद तेरा रंग रूप कितना निखर आया है। तेरे ससुराल वाले तो तुझे देखकर निहाल हो गए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपनी जीनत जैसी खूबसूरत लड़की इसके पूरे ससुराल में नहीं होगी। अरे मेरे ससुराल की तो छोड़, पूरे तख्त हजारा में सिर्फ एक ही लड़की के चर्चे हैं। किसके किसके? अरे अपनी ही के। मेरे? मगर जीनत, तख्त हजारा तो हमारे गांव से बहुत दूर है, तो वहाँ हीर के चर्चे कैसे हो सकते हैं? मैं सच कहती हूँ बेगो,
जब वहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि मैं झंग से आई हूँ तो वहाँ की हर लड़की ने मुझसे यही पूछा, हीर देखने में कैसी है, वो पहनती क्या है, उसके शौक क्या क्या है। और जब मैंने उन्हें ये बताया कि हीर मेरी सहेली है तो मुझे छूकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने हीर को छू लिया हो। तो तूने क्या कहा? मैंने उन्हें कहा कि हमारी हीर इतनी खूबसूरत है कि वो हाथ लगाने से मैली होती है। जीनत। अच्छा जीनत, क्या सचमुच तख्त हजारे में अपने हीर के मुकाबले कोई खूबसूरत लड़की नहीं? लड़कियां तो ऐसी ही हैं। हाँ, लड़के अच्छे खूबसूरत। अच्छा। वहाँ एक लड़का है बहुत ही खूबसूरत, नौजवान, क्या गाता है, क्या बांसुरी बजाता है, सारे तख्त हजारों को उसने अपना दीवाना बना रखा है। कौन है वो? वहाँ के चौधरी का सबसे छोटा बेटा, दीदू। अरे अरे, तू कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अरे देखो जरा, ये तो ऐसे शर्मा रही जैसे दीदू को बरसों से जानती हो। शायद मैं उसे जानती हूँ, जाने अब वो कैसा दिखता होगा। गागर कुएं में गिरा बैठी है। अरे हम क्या इतनी देर गुजरी है जो इसे यहाँ देखने आता है? और क्या, मुझे तो लगता है पानी भरने के बहाने ये खुद इसे यहाँ देखने आती है। तू क्यों जलती है? घास तो वो तुझे भी नहीं डालता ना। सही, मगर हम सब तो इसे घास डालती हैं। एक गामो हो जाए हो जाए। धीदो ए धीदो, कितनी बार तुम लोगों से कहा कि बीच में मत टोका करो। अरे तो हम पर ना सही, पीर बाबा पर तो कुछ रहम कर। अगर इसी तरह तू पीर बाबा के सिरहाने बैठकर बांसुरी बजाता रहा ना, तो बेचारे पीर बाबा करवटें बदल बदल कर बेहोश हो जाएंगे। पहले तुम अपने होश की दवा करो। हमारे होश की दवा भी तो तेरे पास है। तुम लोगों के होश की दवा तो लुकमान हकीम के पास ही मिलेगी। लाओ थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे। हमारा लुकमान हकीम तो तू ही है दीदो। अभी जाकर बताता हूँ तेरी अम्मा को, न जाने कब मरजानियों की शादी होगी और मेरा पीछा छूटेगा। ये नौजवान कौन था? दीदो मौजू चौधरी का छोटा बेटा। क्यों बाबा, अपनी तरह उसे भी फकीर बनाना है? अरे ये तो खुद बहुत बड़ा फकीर है, इसके माथे की लकीरें बता रही हैं कि ये दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा, शोहरत होगी इसकी, ऐसी शोहरत जो खुशबू की तरह सारे जहां में फैल जाएगी और कयामत तक जर्रे जर्रे से उसकी महक आती रहेगी। अल्लाह हक। अपना सीधा आ गया, आजा आजा आजा, इतनी देर तक आ रहा भाई, हम कब से तेरा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। ये ले। ओ आ भाई दीदो, इधर भी आ जा भाई। अरे वो क्या खा रहा है? इधर मक्खन के साथ खा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे हाथ मुंह तो धो लेने दो, मैं इसका खाना लगा रही हूँ। अरे तुम लोग इसे सिर्फ रोटियां ही खिलाओगे तो इसके गले से खाना कैसे उतरेगा? अरे ले दीदो लस्सी पी ले और जल्दी से हाथ मुंह धोआ, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। लो जी और लसी आन दो। सुनो जी, तुम अभी बात कर लो तो सुबह हम पैगाम भिजवा दे। क्या बात करनी है भाभी, तुम ही कर लो ना। आज मेरे बड़े भाई आए थे तेरी शादी की बात करने। मेरी शादी की बात करने? अरे मैंने कहा किससे शादी करवा रही है तीतो की छोटी? मेरे चाचा की लड़की है, बड़े भाई उसी की बात करने आए थे।
मेरे लिए के सारी दुनिया में वही एक लड़की रह गई है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है, मगर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और फिर किससे करेगा शादी? आखिर आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मिलेगा आप लोगों को मेरी शादी से? हमें हमारी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा और तुझे तेरी आवारा गर्दी से। आवारा गर्दी? और नहीं तो क्या, ये तो तू सारा सारा दिन काम की गलियों की खाक छानता फिरता है। हमें बड़ी शर्म आती है जब लोग आकर हमसे ये कहते हैं कि तू सारा दिन काम के कुएं के पास बैठकर लड़कियों को ताका करता है। झूठ कहते हैं लोग। इस गांव में कोई लड़की है इस लायक जिसे देखा जाए? अच्छा, तो गांव में कोई लड़की है ही नहीं इसके लायक, ये समझता क्या है अपने आप को? बस ये समझ लो भाभी कि मैं अपने आप को छोटी भाभी की बहन के लायक नहीं समझता। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ तू कौन से सियालों के हीर ब्याह कर लाता है। क्या सोच रहा है दीदो, तुझे अपनी भाभी का एहसान मानना चाहिए। अपनी छोटी बहन का रिश्ता कर रही है तुझसे, वरना तू तो वरना मैं क्या जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। और नहीं तो क्या, कौन करेगा तुझ जैसे निखटू से अपना रिश्ता? इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम लोगों की आंखों में खटकने लगा हूँ। तूने तो जब से होश संभाला है तब से खटक रहा है, सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ने और आवारा गद्दी करने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? हम बैठी है ना तेरी नौकरानियां पका पका के खिलाने के लिए, ये ले खा। ऐसे खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? इतना सब सुनने के बाद कोई गैरतमंद भला यहाँ कैसे रुक सकता है? हीरो, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे हम तेरे भाई हैं, तेरे कोई दुश्मन तो नहीं, तेरा भला ही चाहेंगे ना। चल चल के खाना खा। आज के बाद इस घर का खाना तो क्या, पानी पीना भी हराम। रुक जा हीरो, रुक जा। ऐसी धमकियां ये बहुत बार पहले भी दे चुका है, शाम तक खुद ही लौट आएगा। नहीं मिलेगा सुकून यहां, नहीं मिलेगा तुझे। तू इसके सुरों के समुंदर में चाहे जितने भी गोते लगा ले, नहीं मिलेगा जवाब। न जाने कब कहां किस जहां में तेरे वजूद का कोई हिस्सा गुम हो गया था, उसकी तलाश में भटकता है तेरा अधूरापन। हाँ बाबा, भटकन भी है अधूरापन भी, अब तुम्ही कोई रास्ता दिखाओ बाबा, मुझे तो हर चीज बेमानी लगती है। अल्लाह, तेरी भटकन में ही तो तेरे सुकून का राज छुपा हुआ है। भटक भटकता जा, दरिया चिनाब के उस तरफ की मिट्टी से तेरा कोई गहरा रिश्ता मालूम होता है। अपनी भटकन की उंगली पकड़, अपने अधूरेपन की राह पे निकल, अपनी बेचैनी के पैरों पे चल और रब पे भरोसा रख। उसने चाहा तो दरिया पार की जमीन पर कदम रखते ही तुझे हर शहर में नए माने नजर आएंगे। जा, रब तेरा निगेबान हो। भाई ये दरवाजे पर खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही हो तुम? रात हो गई पर धीधो अभी तक नहीं आया, इतनी देर तक तो वो कभी बाहर नहीं रहता, कहाँ गया होगा? अरे भाभी, जाएगा कहाँ, दरगाह पर बैठे हुए बांसुरी बजा रहा होगा, आ जाएगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, कब तक भूखा रहेगा बेचारा, उसे मना कर लाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। ठहरो, मैं भी चलता हूँ। भाभी आप फिक्र मत करो, उसे लेकर ही आते।
कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अरे अब्दुल, हमारे दीदो को तुमने कहीं देखा है? हमने तो नहीं देखा, क्यों, कहाँ चला गया वो? तुम उसकी फिक्र करते हो जिसे खुदा ने बेफिक्री से नवाजा है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। लेकिन वो समझ गया था, इसलिए वो कूच कर गया यहाँ। मगर कहाँ कूच कर गया? अपनी मंजिल की तरफ, अपने मकसद की ओर। कैसा मकसद, कैसी मंजिल बाबा? फकीरों की मंजिल भी कोई जानता है भला? ये तो वो जानता है, सिर्फ वो। सामान खरीदना है। ये कौन सी जगह है भाई? बारादरी। मगर तुम इसके आसपास भी नहीं भटकना, वरना जहाँ से आए हो ना वहीं खोटे सिक्के की तरह पहुँचा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बारादरी यहाँ के चौधरी की सच्चरी बेटी हीर की है। चौंक कर उठी, मुझे तुझ पर हंसी आ गई। पता नहीं कैसे मुझे झपकी सी आ गई और फिर अचानक अजीब कंपकंपी के साथ आंख खुल गई, जैसे किसी ने झिनझोड़ के जगा दिया हो। सपना देख रही होगी तू? अरे दिन में सपने देखेगी तो इसी तरह चौंक कर उठेगी। चल बारादरी चलते हैं। बाकी सब कहाँ है? अरे छोड़ उन घोड़ियों को, आज सिर्फ हम दोनों कश्ती की सैर करेंगे। कश्ती की सैर करके बड़ा मजा आया। मगर तू कश्ती वाले को छेड़ क्यों रही थी? उसको मेरे पलंग पे ये कौन सोया हुआ है? कितनी नेहमत हुई। होगा कोई शैतान या सौदाई जिसे यहाँ सोते हुए न डर लगा न शर्म आई। मजाक नहीं बेगो, जा उस लुडन के बच्चे को पकड़ कर ला, ये रखवाली करता है मेरी बारादरी की। जा रही जल्दी। जा रही हूँ। आज तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई, कितनी हिम्मत। ओए, कौन हो तुम? लगता है पीर बाबा ने तुम्हें ढूंढने में मेरी ही मदद की। दे दो। हाँ। अपने चेहरे के इन चिराखों से पलकों की चिलमन तो उठाओ, मुझ तक रोशनी तो आने दो। कब से भटकता फिर रहा हूं अंधेरों में, अब मंजिल की एक झलक देखने दो। इसी रुख इसी रूह की कशिश का जादू ही रहा होगा जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे यहां तक ले आया। यारा, ये इत्तेफाक है कोई या तेरा ही करिश्मा है? मेरा दिल मेरे हाथों से फिसला जाता है।
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी भटकन, मेरी बेचैनी का सिला इतना बेमिसाल होगा, मेरी बेकरारी का करार इतना लाजवाब होगा। एक जर्रे की किस्मत में हुस्न का ऐसा माताब हो ना हो, तुम मेरे मालिक की दी हुई वो सौगात हो जिसका अदब ही मेरा ईमान है, जिसकी इबादत मेरे जुनून का इम्तिहान। बस वरना कहीं मुझे अपने नसीब पर गुरूर ना हो जाए। गुरूर तो मुझे होना चाहिए जिसके अधूरेपन ने ये रंग दिखाया। कहां रग रग में बेजारी, तसव्वुर तक में वीराना, कहां सारे गुलिस्तां का शबाब चल के आया है। चल जल्दी अंदर। हाय अल्लाह, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मगर कौन है वो आदमी, किधर है, है? ये देख, ये रहा वो मुश्तंडा। कुछ बताया से कहां से आया है? जी नहीं बताया तो अभी बताएगा। ऐसा चप्पू चलाऊंगा मैं कि अपनी सात पुश्तों की कहानी सुनाएगा ये आपको। अरे, इसकी कहानी सुन ली मैंने तो आपने सुना। यही रखवाली करता है मेरी बारादरी की। हाँ और जी अल्लाह कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं दरिया में डूब के मर जाऊं जी। पता नहीं ये दरिया ही कोड़ा अंदर कैसे आ गया जी, पता नहीं। पहला मौका है इसलिए तुझे छोड़ दिया जी। चल देखो सरकार, ये तो बताओ कि इस दरियाई कोड़े के साथ सलूक क्या करूं मैं। ये कोई परदेसी मुसाफिर है, रास्ता भटक गया है इसलिए यहाँ आ गया। इसके रहने का कहीं बंदोबस्त कर दे। हाँ चल हम चलते हैं। तूने इसको छोड़ दिया? अरे मियां, ये खुदकुशी के लिए आपको यही जगह मिली थी क्या? मतलब मतलब ये कि आज आप खुद तो मरते ही मरते साथ में मुझे भी मरवा डालते। बंसी तो यूं पकड़ रखी है जैसे कृष्ण का नैया तुम ही हो। चलो तुम्हारे ठहरने का बंदोबस्त कर दूं कहीं। कहां? अरे गांव के बाहर एक सराय है वहां। चलो एहिर चुप, तू देख ले रही। मैं पीर बाबा से कुछ मांग रहा हूं। क्या मांग रहा है तू? मैं पीर बाबा से मांग रहा हूँ जब हम लुक्का छुपी खेले तो पीर बाबा मेरी मदद करे तुझे ढूंढने में। फिर भी तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों? पीर बाबा हमारे हैं, तुझसे ज्यादा वो मेरी मदद करेंगे छुपने में। अखियों ने अखियों से मिलके कर लिए सौदे दिल के, और अब दिन आए मुश्किल के, और रब्बा दिन आए मुश्किल के। बस रह गए शर्म से लब सिलके, रब्बा दिन आए मुश्किल के, रब्बा दिन आए मुश्किल। नजर से अपनी तूने मुझे ये क्या शय पिला दी है, खुदा जाने ये कब उतरेगी, खुमारी ही खुमारी है। इतनी जल्दी मत तोड़ो, अभी भी इसमें तुम्हारी बांसुरी की सुर तैर रही है। पहले उन्हें मेरे अंदर जज्ब हो जाने दो। तुम्हारे सुरों की उड़ान जितनी ऊंची है, तुम्हारी खामोशी की गहराई उतनी ही गहरी, मुझे उसकी थाप पा लेने दो। तुम खुद ही शबाब का एक ऐसा दरिया हो जिसकी हर मौज मेरे सुरों की उड़ान भी है और मेरी खामोशी का बयान भी। मेरे तसव्वुर की हर उड़ान तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पर आकर ख़त्म होती है। मेरा आगाज़ तुम,
मेरा अंजाम तुम, बस तुम ही तुम। तुझको पुकारा रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए मेरा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए खुदा, तुम सारे नौकर अपने साथ ले जाओगे तो यहाँ का काम कौन करेगा? अबा, या तो आप दूसरे गांव में जाकर इतनी जमीन ना खरीदते, और अगर खरीदी है तो ऐतराज ना करें। सच पूछे तो इतनी बड़ी जमीन को संभालने के लिए अभी भी नौकर कम पड़ते हैं, इसलिए मैंने कह दो चाचा से कहा था कि वो। अरे नाम मत लो उस नालायक का, भांग घोटने से फुर्सत मिले ना उसे, तब जाकर नौकर ढूंढेगा। अब लुड्डन कह रहा था दरिया पार से कोई आदमी आया है
और उसको काम की तलाश है। तो उसे बुलाया क्यों नहीं बेटे? बुलाया अब्बू, वो उसको लेके आज ही आने वाला है। अच्छा? चौधरी साहब, लॉटरी में आ गए जी माल को। सलाम जी सलाम। वालेकुम सलाम। और जी अगर लाटो सरकार ने पहले बता दिया होता कि चक्कर चक्कर चलाना तो मैं क्या बता दिया होता। और जी हुई कि आपको नौकर की जरूरत है। ये क्या नौकरी करेगा, ये तो बड़ा नाजुक सा लड़का है। नहीं जी लो जी, ये तो कमाल के चप्पू चलाता है। अब जो काम आखोगे वही काम ये फौरन करेगा, फौरन। अच्छा देख भाई, जानवरों काम करने के लिए जानवर बनना पड़ता है, हमें अपनी भैंसों के लिए चरवाही की जरूरत है। ओ जी ये भी जानवर ही है, ये कौन सा बंदा है, जानवर है। ओ तो कह दो कोई मिलकर आया है, भांग जाना रखिए तूने। ओ इससे बोलने दे। ये बोलता भी है जी, बोलता है। बोल के दिखा भाई, शाबाश बोल। नौजवान क्या नाम है तेरा? जी रांझा। भाई तुम आए कहां से हो? मेरे माँ बाप नहीं रहे, भाई हैं, उनकी बीवियों ने झगड़ा करवा दिया, इसलिए घर छोड़कर चला आया। मैं तो कहती हूँ रख लो इसे, एक तो जरूरत है और फिर ये कहाँ मारा मारा फिरेगा। आहो जी आहो। ठीक है ठीक है सुल्तान, इसे तुम काम समझा देना और बाड़े में रहने का इंतजाम कर देना। जा जा मेहरबानी। चलो जी। चल भी चल। अरे बेटा ये खाना। ओ छोटे चौधरी सलाम, चप्पू चला के। चप्पू चला के ये सुल्तान के साथ बरखुरदार कौन था? मैं नौकर रख लिया है। नौकर के ऐसे होते हैं? क्यों चाचा, नौकरों की कोई खास शक्ल होती है? अरे शक्ल खास होना हो, पर आदमी के चेहरे पर उसके पेशे की छाप तो होती है ना, जैसे तेरे चेहरे पर भांग की। अब शादी भांग का नाम मतलब तू यार, भांग की। बहुत सुना था जन्नत के बारे में, लेकिन तेरी आगोश से बेहतर जन्नत और कहां मिलेगी? तेरी मौजूदगी से ही ये आगोश जन्नत है रांझे, और तेरी मोहब्बत के सदके ये हीर हीर, वरना तेरे बगैर मेरी क्या अहमियत है? वही जो खुद को देखने के लिए बेताब शख्स के लिए आईने की, इसलिए तो ताकता रहता हूँ तुम में खुद को और खुद में तुम्हें। तुझे पाने के बाद मुझे यही महसूस होता है कि मैं तेरा ही खोया हुआ हिस्सा थी रंजना। तेरे बगैर जाने कब से मैं खुद भी अधूरा था, अब तो यूं लगता है कि तुझमें जज्ब होने के लिए ही मैंने घर छोड़ा था। रंजना ये कौन हो सकता है? शायद पहला इम्तिहान हो। मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी को हम दोनों पर शक तो नहीं हो गया रंजन। तुम जल्दी से छुप जाओ, इसके पीछे मैं देखता हूँ। चौधरी जी आप खैरियत तो है ना? अभी मालूम हो जाएगा, घबराता क्यों है? पीछे हट। नौकरों की कोई खास शक्ल होती है क्या? अरे चौधरी क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए, मैं ढूंढ देता हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, अभी दिखाता हूँ तुझे। कहाँ है वो? वो कौन? बनता है कमीने, जानवरों के साथ कैदों को भी चलाता है। इस मुए भंगोड़ी के कहने पर हम लोग यहाँ चले आए, पहले हीर को उसके कमरे में तो देखते। तुम देखा नहीं? अरे हाँ आप देखती, इसके कहने पर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो यहाँ नहीं मिली तब ये बात सूझी। चल चल चलो, चलो मेरी बात सुन। अबू अम्मी आप लोग इस वक्त सब सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, तेरे इस बददिमाग चाचा को छोड़कर सब ठीक है। क्या हुआ चाचा को, फिर भांग चढ़ गई या कोई ख्वाब देख कर डर गई? डर तो मैं क्या था बेटी, खैर तू जा, जा अंदर सो जा। चलो जी। चौधरी मेरी बात तो, चौधरी मेरी बात तो। अच्छा चाचा आप सो जाओ, डरना नहीं। लेकिन बाप की नजरों में चाचा को नीचा दिखाने में आज तो तू कामयाब हो गई, लेकिन तू भूल गई कि मेरा नाम कैदो है। कैदो जिसे चकमा देने से खुदा भी घबराता है। इसका मतलब तू और हीर हम सबसे छुपकर अकेली बारादारी में जाती रही हो? यानी कि दाल में कुछ काला है? अरे मुझे तो सारी दाल ही काली लगती है। यानी कि अब हमारी हीर
किसी और की होने वाली है। होने वाली नहीं, हो चुकी। मुझे क्या मालूम, बताना बताना। अरे अरे तुम सब खुद चलकर देख लो। लेकिन इस वक्त वो होगी कहाँ? वही बारादरी में। रुक क्यों गए तुम्हारे सुरों के सहारे? मैं जाने कितनी दूर किन गहराइयों तक उड़ती चली जा रही थी। इसलिए तो मैंने सुरों की डोर खींच ली ताकि तू मेरे पास लौट आए। अपने तस्वर में भी तू कहीं मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम्हारे बगैर तो मेरा तस्वर भी सोना हो जाएगा और मेरे ख्वाब अधूरे। हमने तुझे सारे गांव में ढूंढ मारा और तू यहाँ बैठी। तुम सब पर रब का कहर बरपे बेशर्मो। रब का कहर तो जब बरपेगा तब देखेंगे, अभी तो हम सब का कहर देख। चलो इसे मेरे घर ले चल। चलती है, तुझे खींच कर ले जाओ। चल चाहे जितने सितारे साथ हो जाएं, मेरे चांद का फिर भी कोई जवाब नहीं। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, हमसे मिलने का बहाना करके रांझे से इश्क ले आती है। छोड़। अरे रांझे ने तुझे ऐसी कौन सी बूटी सुंघा दी है जो तू तो अपने पुरानी सहेलियों को भूल गई है? सच सच बताना, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है या फिर तू अकेली उस आग में डूबी हुई है? अरे अरे मैं बताती हूँ, ये तो दिन रात रांझे के नाम की माला फेरती रहती है, इससे तो रांझे के प्यार में सारी दुनिया भुला डाली। यही सच है? ये सच है? बताना बताना बताना। Oh,
बाप की अकल पर तो पर्दा पड़ गया है। अरे अगर पगड़ी के तुर्रे पर दाग लग जाए तो वो पहले दूसरों को ही पता लगता है, पहनने वाले को तो तब पता चलता है जब सब उस पर थू थू करते हैं। लेकिन चाचा अभी तो सब लोग तुझ पर थू थू कर रहे हैं। अरे भांग के नशे में तू अपने घर की इज्जत को उछालने में लगा हुआ है। अगर ये बात है तो तू भी बैठ, रात भर में सब कुछ तुझे तेरी आंखों से दिखा दूंगा। देख चाचा, इसमें कोई अकलमंदी नहीं कि रात को छुप छुप कर हम अपने ही घर की जासूसी करें। फिर अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी तो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपने बाप की असली औलाद खुदा हाफिज। जो मेरी आंखों ने देखा है उसे देखने के बाद तुम दोनों बाप बेटे की जिंदगी भर की नींद ना उड़ गई तो ये राख मैं अपने चेहरे पर हमेशा के लिए मल लूंगा। राख। राख मुझे दिए हुए जख्मों की कब्र है जो सुबह होने तक जाग जाएगी। अब इश्क के भूत अगर यहां से गुजरे तो Thank you.
ये सब क्या है? चाचा कैदो की चाल का मुंह तोड़ जवाब। और वो कैसे? मरे नहीं, राग बिखरते रास्ते में खेत चला। अभी तो मैं तुम्हारी आगोश में तुम्हारे प्यार को छोड़कर सारी दुनिया को भूल जाना चाहती हूँ। तेरे बगैर ये जगह काल कोठरी लग रही थी, तेरे आते ही जन्नत हो गई। रांझना, तेरे साथ तो दोजख भी जन्नत हो जाती है। ये चिराग जो थक के बुझ चला था, तेरे आते ही इसमें रोशनी लौट आई। बहुत इंतजार करना पड़ा ना तुम्हें। तेरा इंतजार ही मेरे जीने का जरिया है हीरे, और तेरी मुलाकात मेरी जिंदगी का सरमाया। ये तुम्हारी मेहरबानी है रांझे। मोहब्बत में मेहरबानी नहीं होती, इश्क में दोनों ही दाता हो जाते हैं, प्यार करने वाला भी और प्यार पाने वाला भी। ऊपर वाले ने प्यारी तो एक ऐसी चीज बनाई है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। सुबह होने को है, कभी तो शाम ढलकर हमारे बीच आ जाया करती थी, और अब सुबह होकर हमें अलग होने का इशारा करने लगी है। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। किसी दुश्मन ने ये टोना टोटका किया है। कीड़े पड़े उसके, सत्यानाश उसका, बेड़ा गर्क हो। ये देखो, ये देखो, मैं देखो, मैं देखो, वो भी। घबरा मत भाभी मलकिए, ये टोना मैंने किया है इस घर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ये यकीन दिलाने के लिए कि किस कदर रात को यहाँ इश्क के भूत नाचते हैं। गौर से देखो, तुम्हें उनके कदमों के निशान भी मिलेंगे इस राख पर। भूत के कदमों के निशान? हाँ, भूतों के। सारी जिंदगी सिर्फ भांग नहीं पी है बल्कि थोड़ी बहुत जिंदगी भी जी है। अब मेरे भाई को यकीन आएगा कि कैदो ने किस तरह उसे वफादारी की है। देखो भूत के निशान इश्क के, देख देख। कदमों के निशान तो हैं, मगर इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि भूत लंगड़ा था। लगता तो ऐसे ही है चाचा, कहीं रात को मेरे जाने के बाद तू भांग पीकर यहाँ नाचता तो नहीं रहा? क्या बकवास करता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारे घर में एक पाँव और लाठी पर चाचा ही तो चलता है, और यहाँ भी एक पाँव और लाठी के निशान है। लेकिन अभी और कुछ साबित करना है तुझे? चौधरी साहब, क्या हुआ? ये राख कैसे बिखरी हुई है? और तू जा अपना काम कर, जा। सुन, तूने रात यहाँ किसी को देखा तो नहीं? सुबह जब मैं जानवरों को चारा डालने के लिए उठा तो छोटे चौधरी यहाँ घूम रहे थे। मैंने सोचा सुबह की सैर कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। झूठे तेरी ये मजाल। उस पे क्यों बिगड़ता है चाचा, जब तुझे खुद कुछ याद नहीं है। इतनी भांग मत पिया कर, तुम जाओ। अरे लानत है तुझ पर, लानत है। अपनी औलाद में कोई खोट हो तो लोग उस पर पर्दा डालते हैं, लेकिन तू खुलेआम हमारी मिट्टी पलीत करने पर तुला है। तौबा तौबा, चल हीरे अंदर चल। बेशरम। चलो अब, ये बेचारे चाचे का कसूर नहीं, इसकी भांग का है। आप इसकी बात ही मत सुना करो, ये खुद हार कर चुप हो जाएगा। चलिए। अरे जा, कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? भाई साहब, भाई जा। कुत्ते की दुम सीधी हो भी तो कैसे, इस दुम के हर बाल में घर के ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। जिस दिन ये दुम सीधी हो गई,
हर राज खुलकर बिखर जाएगा। वक्त आने दे चौधरी, ये कुत्ता जरूर अपनी दुम सीधी करके दिखाएगा। तेरे हाथों से बने इस खाने में जो मजा है, इसकी भनक अगर फरिश्तों को पड़ गई तो वो भी जमीन पर उतर आएंगे। अच्छा अच्छा, इसलिए चलाक फरिश्ता दूसरों से नजर बचाकर चोरी चोरी सबसे पहले यहाँ उतर भी आया है, मगर इतनी देर तक उसने खाया कम और बातें ज्यादा की हैं। अरे खा तो रहा हूँ। क्या कोई हमारी तरफ आ रहा है? मैं वहां जाके छुप जाती हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर मेरा कुछ नहीं रहा तो तेरा भी कुछ नहीं रहेगा। कैसे फकीर हो बाबा, दुआ करने के बजाय अल्लाह को कोसते फिरते हो। अरे क्यों ना कोसूं, अगर मुझे भी इसी तरह घी में तरचूरी खाने को मिले तो मैं भी सुबह शाम मिट्टू तोते की तरह अल्लाह मियां करता रहूं। अगर इतनी सी बात है तो ये लो चूरी, तुम खा लो, मगर अल्लाह को कोसना मत, उसका शुक्र करना। अरे क्यों ना शुक्र करूं, अब देखना अल्लाह के नाम के साथ साथ मैं तेरे नाम का भी कैसे डंका बजाता हूँ। वाह अल्लाह वाह अल्लाह 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 अल्लाह। राजा, तूने अपनी चूरी उसे क्यों दे दी? क्यों क्या हुआ? तूने देखा नहीं, उसने चूरी खाई नहीं बल्कि अपने पोटली में छुपा ली। वो फकीर नहीं था, फकीर के भेस में मेरा चाचा था, कह दो। वो कह दो था? हाँ। फिर अब्बा, अब घर जाकर चूरी दिखा दिखा कर न जाने क्या राय का पहाड़ बनाएगा। मैं क्या करूं? तो ठहर, मैं अभी आई। बेगो, बेगो जल्दी आ। क्या बात है? बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? चाचा फकीर के भेस में रांझे को बेवकूफ बना के चूरी ले गया। जल्दी चलो, इससे पहले वो घर पहुंचकर कोई नाटक करे, हमें कुछ करना चाहिए। मेरा रांझा बड़ा बेवकूफ है। किधर गया चाचा? उधर से जा रहा है। चलो 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 चलो। अरे ये चाचा तो कोई नई चाल चल रहा है। तो चल तो सही, आज मैंने तेरे चाचा की चाल ना बिगाड़ दी तो मेरा नाम भी बेगो नहीं। चल चल। हाय रब्बा, ये तो कोई जंगली जानवर लगता है। अरे इसको निकालो, ये तो सारी फसल खा जाएगा। पत्थर पत्थर उठा। ये ले ये ले। ये छोटे से मोटे से पत्थर से कुछ नहीं होगा, बड़ा भारी पत्थर। नहीं नहीं। अरे तुम लोगों ने फकीर की इबादत में खलल डाला है। फकीर बाबा हमें माफ कर दो, हमारे एक दो सवाल हैं, आप उनका जवाब देंगे? मेरे पास वक्त नहीं है। अगर फकीरों के पास वक्त नहीं होगा तो किसके पास होगा? आप पूछो पूछो, जल्दी करो पूछो। ऐसे नहीं फकीर बाबा, जरा बैठ कर तबीयत से, हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है ना। आइए छांव में बैठते हैं। आइए फकीर बाबा, लंगड़ा है। आइए आइए बैठ, इधर बैठिए। हाँ जल्दी पूछो पूछो। फकीर बाबा ये बताइए, हमारी शादों को बहरा मिलेगा या लंगड़ा? इसे तो लंगड़ा भी मिल जाए तो गनीमत है। अच्छा, हमारे गांवों को गूंगा मिलेगा या बहरा? शादी की होती ही वो गूंगा हो जाएगा और फिर बहुत जल्द बहरा। चलो ऑटो बहुत हो गया, मजा बहुत हो गया। फकीर बाबा एक और बात है, हमारी हीर का एक लंगड़ा चाचा है, कह दो, बड़ा कमीना आदमी है, वो कब मरेगा? इतनी जल्दी मरने वाला नहीं वो। हाँ। बहुतों को मार कर मरेगा वो। आप सब लोग मिलकर मेरे चाचा को क्यों मारना चाहती हो मरियो? क्योंकि वो लंगड़ा हमारे रास्ते में टांग अड़ाता है, कुत्ते की तरह राल टपकाता है, कीड़े पड़े उस मुंह को। बाबा कोई ऐसी तरकीब बताओ कि उस लंगड़े गीदड़ की कमर टूट जाए और हम सबको उस गंदगी से छुटकारा मिले। इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर उसकी कमर टूट गई तो इसके खानदान में सबकी कमर टूट जाएगी। अब फकीर का मुंह मत खुलवाओ। अगर इतना समझ लो कि तुम्हारी एक सहेली अपने घर के नौकर के साथ भाग जाएगी। आप उनसे साफ साफ कह दीजिए कि जब तक सुल्तान की शादी नहीं हो जाती हम हीर की शादी की तो बात ही नहीं करेंगे। सैदे के बाप को तो पहले ही समझा दिया था मैंने, सैदा की माँ है जो पीछा नहीं छोड़ती, आते जाते किसी के हाथ पैगाम भिजवाती रहती है। अच्छा हुआ हमने कभी हाँ नहीं की, वरना हीर से तो शादी की बात ही करो वो खाना पीना छोड़ के बैठ जाती है। वो तो खाना पीना छोड़ कर बैठ जाती है, मगर तुम तो मेरी बात सुनकर लेट जाओगी। अरे अरे ये कौन पागल घर में घुसा है? अरे भाई तुम कौन हो? अच्छा तब तुम्हारा भाई कह दो कौन हो गया? अरे कह दो, ये क्या उलिया बना रखा है तूने? ये किसने कालक पोत दी तेरे मुंह पर? मैंने खुद, इससे पहले कि तुम्हारी लाडली हम सबके मुंह पर कालक पोते मैंने अपने हिस्से की खुद ही पोत ली। और अब चौधरी तुम भी तैयार हो जाओ कालक पुतवाने के लिए। क्या बकता है? बकता था, तुम मुझे कुत्ता समझते हो, मेरे दिमाग को भांग चढ़ जाती है,
लेकिन तुम्हें कौन सी बूटियां सुंघाती है जो तुम्हारी आंखों को रोज चकमा दे जाती है। तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़ा रहे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी तुम्हारे खेतों में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। रोज अपने हाथों से बना बनाकर उस चरवाहे को चूड़ियां खिलाती है। ये देख। क्या है ये? चूरी है, चूरी थी, चूरी है। फिर भांग पीकर आया है तू? कहां कहां की मिट्टी इकट्ठी करके लाया है? बाज आ जा तू, बाज आ जा। फिर मेरी बेटी पर तोहमत लगाई ना तो मुझे बुरा और कोई ना होगा। दबा ले जाते चाचा। चाचा ये क्या हाल बना रखा है? अबू चाचा ने फिर भांग चढ़ा रखी है। अरे सौदाई हो गया ये तो। खुदा जाने सौदाई हो गया या भांग की रखी है इसने। देखो मट्टी को चूड़ी बता रहा है मरा। तेरी मौजूदगी से ही ये आगोश जन्नत है रांझे, और तेरी मोहब्बत के सदके ये हीर हीर, वरना तेरे बगैर मेरी क्या है अहमियत। ये भूख लंगड़ा था। चूरी है ये, चूरी है। फिर भांग पी कर आया है तू? कहां कहां की मिट्टी इकट्ठी करके लाया है? बाज आ जा तू, बाज आ जा। फिर मेरी बेटी पर तोहमत लगाई ना तो मुझे बुरा कोई ना होगा। चलो आ जाते। आखिर तो कहना क्या चाहता है? अब कहने लायक रह ही क्या गया जी चौधरी साहब। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैं रात भर सो नहीं सका। सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर मुझे हो क्या गया है। तो फिर सोचने के बाद क्या हुआ? यही कि आप लोग ठीक कहते हैं। हाँ, मैं सौदाई हो गया हूं। भांग ने मेरा दिमाग खोखला कर दिया है। तभी तो अपनी नेक बेटी के पीछे मैं इस तरह की तोहमतें लगा रहा हूं। खैर छोड़ दो, हुआ सो हुआ। लेकिन नहीं चौधरी, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे थप्पड़ मार दिया, वरना शायद मुझे होश ही नहीं आता। चल छोड़ चाचा, अब यह बता कि तूने आगे सोचा क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊंगा। सुना है रंगपुर के पास एक गांव है जिसमें एक बहुत पहुंचा हुआ हकीम रहता है जो भंगड़ियों और दिमागी मरीजों का इलाज करता है। अगर सुल्तान मुझे वहां पहुंचा दे तो सिर्फ आप सबको ही नहीं, मुझे भी इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। शुक्र है तूने इलाज की सोची। सही काम के लिए हम सब तेरे साथ हैं। सुल्तान बेटे तू साथ जा, चाचा को हकीम के पास ले जा, और जब तक इलाज चले देखभाल के लिए तू वहीं रहना। अच्छा चौधरी, मन में कोई मलाल ना रखना। छोड़, अल्लाह बिली, जा जा। वक्त और आदमी का मन कब बदलता है कुछ पता नहीं चलता। सच, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी कहा हो रहा था जब तक वो सुल्तान को साथ लेकर इलाज के लिए चला नहीं गया। इसका मतलब अब तेरा चाचा हर रोज भांग की जगह किसी हकीम की घुटी हुई कड़वी दवा के घूंट भरेगा। और तेरा रांझा दिन रात तेरे सुरूर में डूबकर महबूब से महबूब को महबूब करेगा। Thank you.
खून की दगाबाजी और बेहाय की नंगी तस्वीर को अपनी आंखों से देख लो चौधरी। अपने चेहरे पर सारे जहां की लगी कालिक से अब भी तुम इनकार कर सकते हो? अरे आज तक इस घर में लगी आग में मैं अकेला झुलसता रहा, लेकिन अब तुम सबकी बारी है। नमक हराम, मैं तुझे नहीं सुल्तान। नहीं अम्मी, छोड़ दे मुझे, मैं आज इन दोनों को जान से मार डालूंगा। नहीं सुल्तान, अभी घर की बात घर में है, इसको मारने से सारी दुनिया में फैल जाएगी। एक तो वैसे इस कनमुई की वजह से हम किसी को सूरत दिखाने के लायक नहीं रहे, और तू बदसात निकल जा यहाँ से, दूर हो जा हमारी नजरों के सामने से। नहीं अम्मी, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। अबू, काश मैं तेरे खून से तेरे इस गुनाह की मैल को धो सकता, काश मैं कैदों की बात पर यकीन कर लेता, लेकिन नहीं, नहीं। मैं अंधा हो गया, तेरे प्यार ने, तेरे लाड ने। नहीं चौधरी जी, ये बेकसूर है, लेकिन अगर अम्मी इस बदजात को तुम घर लेकर जाओ, और इस हरामखोर को मैं देखता हूँ। हरामजादे, अगर आज के बाद तुम मेरे इलाके में कहीं भी नजर आया तो मैं तेरी बोटी बोटी करके वहीं काट दूंगा, समझा? अब मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इसे मेरा नसीब समझकर कबूल कर लो। मर गया तेरा अब्बा, उड़ा दिया तूने उसे अपनी बेगैरती का कफन, अपने अब्बा को दफन कर दिया तूने अपनी बदकली की खाक में। नहीं अबू नहीं, तुम मेरी जान ले लो, मगर ऐसे लफ्जों से मत मारो मुझे, मुझे मत मारो अबू। अगर इतनी परवाह थी अपने अब्बा की, तो बेहयाई करने से पहले जहर खा के खुद क्यों नहीं मर गई? अब बोलो चौधरी, किस किस से अपना मुंह छिपाते फिरोगे? अब बोलो, ये तेरी लाडली बेटी नहीं, तेरी पगड़ी में लगा दाग है। अब बताओ, इसे जहर देकर मार डालोगे या गली में अपना ये मुंह छिपाते फिरते घूमते रहोगे? मेरे लाडों के साथ साथ ये मेरे ख्वाबों की मौत है। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम लोग सोचो इसके साथ क्या करना चाहिए। हाबी मलकी, अगर तुम ऐसे चुप्पी साध के खड़ी रही तो ये मसला हल नहीं होने वाला। जरा सोचो कि कैसे इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। सैदा की माँ के कई पैगाम आए थे, लेकिन अब इसकी करतूतें देखकर कहीं वो भी मुकर ना जाए। नहीं, ये कहर मत डालना अम्मी। मर गई तेरी अम्मी, बेहया हद कर दिया सारे रिश्ते तूने आज। इसकी बदकारी की खबर सैदे के यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें इस रिश्ते का पैगाम उन तक पहुँचा देना चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, ऐसा गजब मत करना अम्मी। मत कह मुझे अम्मी, उस चरवाहे की खातिर तूने मेरे दूध को दाग लगा दिया। नहीं अम्मी, वो चरवाहा नहीं है। तो फिर वो कौन है? अरे बोल ना, कौन है वो? अम्मी, तुम्हें मेरी कसम, किसी को मत बताना, वो तख्त हजारी के मौजूद चौधरी का सबसे छोटा बेटा राजा है। ये क्या बक रही है तू? हाँ अम्मी, हाय अल्लाह। अम्मी, वो मेरे लिए चरवाहा बनके यहाँ रहता था। ये बात तूने मुझे तो बता दी, लेकिन और किसी के सामने अपनी जबान मत खोलना, वरना ये लोग तुम दोनों के टुकड़े करके दरिया में बहा देंगे। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो इस सराय को चप्पू चला के, वैसे भी यहाँ बहुत आदमी ठहरे हुए हैं। मेरे घर चलते हैं, वहीं बैठकर फैसला करेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है। अभी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा लुटन, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ओ मियां, ये लड़ाई तो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है, और जीत भी हमेशा इसकी हुई है, लेकिन तुम हो गए पहले झटके में टेरी टाके बैठ गए। झटका पहले ही झेलना मुश्किल होता है लुटन, उसके बाद तो आदत सी पड़ जाती है। आदत लफ्ज से कमजोरी की बू आती है, और मियां बर्दाश्त की आदत ना डाल लेना कहीं। नहीं लुटन, इतनी आग धधक रही है मेरे जिगर में कि मेरी हीर के इशारे का एक झोंका लगने की देर है, ये आग सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगी।
मगर मैं सहमा बैठा हूं यह सोचकर कि कहीं मेरी जल्दबाजी में मेरी ही ना चला जाए। ले कुछ खा ले, खा लेना मुरादी, ये तो अब उम्र भर का रोना है। हाय मर जानी है, ये तो तेरी चावों वाली उम्र थी, तू ये क्या रोग लगा बैठी, ना खुद कहीं की रही ना हमें कहीं का रखा, अब हम ना जिंदों में है और ना मरों में। ऐसा मत कहे अम्मी, तू तो मेरे रख रख से वाकिफ है। वाकिफ होती तो ये नौबत ही क्यों आने देती, आज अपने ही घर में चोरों की तरह मुंह ना छुपाना पड़ता। तेरे अब्बा जो अकेले सारी दुनिया से लड़ने का मादा रखते हैं, आज अंधेरे में चर्म के मारे मुंह सर लपेटे पड़े हैं। खाना तो दूर, लाख कहने पर भी एक बूंद पानी नहीं पिया है इन्होंने। अब किससे कहे जाकर, अपना खून दगा दे गया है हमें। राजा ने थे उजाले में तेरी सूरत देखकर मुझे अपने आप पर और ज्यादा शर्म आती है। नहीं अब्बू, नहीं, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, तुम जो चाहो सजा दे लो मुझे, मगर मगर अपने साथ ये जाति मत करो, ये सब मेरे नसीब का पेड़ है जिसमें मेरा सब कुछ उलझ कर रह गया है। तुम्हारी नासों की नमी से मेरी दुनिया ढह जाएगी अब्बू, मेरी दुनिया ढह जाएगी, बस तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। डाल दिया तूने मुझे, मेरे वजूद को पस्त कर दिए मेरे हौसले। अरे कोई मुझसे नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था कभी, आज आज तूने मुझे किसी से नजर मिलाने के लायक ही नहीं छोड़ा है। मेरा अपना खून ही मुझसे दगा करता रहा। अब्बू, मैंने किसी से कोई दगा नहीं किया, मेरा यकीन करो अब्बू, यकीन का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। खून के रिश्ते में सिर्फ जज्बात की बंदिश होती है, मगर यकीन के रिश्ते में रब बसता है। यकीन है तो रब है, यकीन नहीं तो रब भी नहीं। मेरा यकीन करो अब्बू, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बख्श दो अब्बू, मुझे बख्श दो। गले न छोटी यार की जोगी ले गए जोग, जान गई फिर भी न गया ये इश्क़े दारोग। ना जाने किस मिट्टी से बने हैं आशिक लोग, डरते नहीं खुदा से भी ये पागल इंसान। आशिक मेरा नाम है तेरा, इश्क मेरा ईमान, आशिक मेरा नाम है तेरा, इश्क मेरा ईमान, अरे लोग मोहब्बत में दिल देते हैं मैं दूंगा जान। आशिक मेरा नाम है तेरा, इश्क मेरा ईमान, आशिक मेरा नाम है तेरा, इश्क मेरा ईमान।
दुनिया छोड़ के ओ सारी दुनिया छोड़ के पकड़ा है तेरा हाथ। चाहे निकले जनाजा चाहे निकले बारात, जीना तेरे साथ है मरना शबनम का कतरा, हर कतरे में तूफान। आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा ईमान, आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा ईमान। अरे लोग मोहब्बत में दिल देते हैं मैं दूंगा जान, आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा ईमान, आशिक मेरा नाम है तेरा इश्क मेरा ईमान। देखो चौधरी, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लो। जैसे आप मेरे रिश्तेदार हैं, वैसे ही रंगपुर वाले भी मेरे रिश्तेदार हैं। बात दरअसल ये है, सैदे को कई रिश्ते आ रहे थे, पर उसकी मां ने मुझसे कहा कि मैं हीर के रिश्ते के लिए उसके बेटे सैदे की आपसे सिफारिश करूं। इसमें सिफारिश की क्या बात है, आप हमारे बुजुर्ग हैं और रंगपुर वाले भी कोई गैर नहीं। बेटी तो होती ही पराई अमानत है, एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही है। बहुत बड़ा घर मिल रहा है अपनी बेटी हीर को, और फिर रिश्ता वो खुद मांग रहे हैं। भाई आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन लग रहा है कि आप तो कुछ संजीदा होते जा रहे हैं। चौधरी साहब, मेरी बेटी मेरे लिए एक सरमाया है,
उसे किसी और को सौंपे जाने की बात इस तरह पहली बार उठ रही है, इसलिए सारी बातचीत मेरे लिए हकीकत नहीं बल्कि एक हादसा सा लग रही है। एक हसीन हादसा, खुशगवार हादसा, जिसका इंतजार हर बेटी का बाप करता है और हर बेटी जिसका ख्वाब देखती है। वो ख्वाब मैं हूं चौधरी जी। तेरी मौत तुझे यहां खींच कर लाई है, आज तू यहां से जिंदा नहीं लौटेगा, यहां से चला जा गुस्ताख, अपनी जान की सलामती चाहता तो। मकसद पाक हो तो मौत कुर्बानी बन जाया करती है चौधरी जी, मेरा इश्क मेरा मकसद बन गया है, ऐसी सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान कर दूं मैं उस पर। तू यहां क्यों चलाया, ये लोग तुझे मार डालेंगे, चले जा यहां से। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले दो टके के नौकर। नहीं तुम डर रहा है। नौकर नहीं हूं मैं। नौकर नहीं तो कौन हो तुम? नहीं ये कोई नहीं है, चले जा यहां से, खुदा के वास्ते चले जा, समझ लो कि मैं मर गई, किस जहां में नहीं तो किसी और जहां में मिलेंगे, हाथ जोड़ती हूँ तुम चले जाओ। कैसे चला जाऊं, मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तकदीर ने आज तेरे अब्बू के हाथ कर दिया है, अपनी मंजिल के इतने करीब आकर पीछे लौटने से तो तेरे दर पर आई मौत कहीं बेहतर। ओए हरामजादे, इससे पहले कि मैं तेरी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दूं, बोल तो किसका तुकम है, बोलता क्यों नहीं, कौन है तुम? मैं तख्त हजारे के मौजू चौधरी का बेटा दीदो। तो मौजू ने हमसे इंतकाम लेने का ये तरीका ढूंढा है, लेकिन हमें नीचा दिखाने के मंसूबे के जवाब में हम उसके बेटे का सर काट देंगे। मौजू तो कब का मर चुका है, इसे मारने से फायदा? हर जा चौधरी, ये मेरे दुश्मन का बेटा है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। होश में आओ चूचा, होश में आओ, जैसे मुझे तेरा बेटा सुल्तान अजीज है, वैसे ही मौजू का बेटा होने के नाते ये भी मेरे जीते जी, तू इसे कत्ल नहीं कर सकता। अगर तूने इसे कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, कलम कर दे मेरी गर्दन, टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे। अबू तुम मुझे ही मार डालो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अबू फिर क्या अब्बा, रब के वास्ते बात और ना बढ़ाओ। यार अब ये कैसा इंतकाम है, तेरा दुश्मन खुद मर के भी ऐसा बीज छोड़ गया है जो मेरे ही घर मेरे ही खून में मेरी ही रगों में जड़ लगाकर मुझे ही नीचा दिखा गया, और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, कैसे बर्दाश्त कर लूं, कैसे बर्दाश्त कर लूं। आपकी नजर में अगर मेरा मौजू चौधरी का बेटा होना जुर्म है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ईमान जानता है कि हमारी दुश्मनी अब्बा की मौत के साथ ही खत्म हो गई थी, अब जब दुश्मनी नहीं रहा तो दुश्मनी कैसी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा कत्ल आप पर वाजिब है तो मैं हाजिर हूं। अब्बू मेरी हालत पर रहम खाओ, तुम्हारी हाँ या ना में मेरी जिंदगी और मौत अटकी हुई है, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अपनी रजामंदी की भेंट दे दो। चौधरी, जहाँ नफरत और गुरूर की हद खत्म होती है वहीं से मोहब्बत की हद शुरू होती है। इंतकाम की आग को बुझाने के लिए किसी के खून की नहीं जज्बात के सैलाब की जरूरत पड़ती है। बहा दे अपनी नफरत के सारे जहर को इन मासूमों के आंसुओं के साथ। देख चौधरी, ये सर आज तक रब के सिवा किसी के सामने नहीं झुका, मैं इन मासूम बच्चों की पाक मोहब्बत की खातिर अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूं। चौधरी ना, चौधरी ना, 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 इस नामुराद से कह दे कि वापस गांव चला जाइए और अपने घर के किसी बड़े बूढ़े को पैगाम देकर हमारे यहां भेज दे, जब तक वो खुद चलकर हमारे यहां नहीं आते मेरी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं, आखिर हर चीज का कोई कायदा होता है, हर चीज का कोई कायदा होता है। मेरे बच्चों, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। चौधरी, तुझ पर मर गई तेरी गैरत,
और उसके साथ मार दिया तूने मुझे भी जीते जी। जिन दुश्मनों ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे गांव को जलील करने की कोशिश की उनके साथ रिश्ता जोड़ने चले हो तुम। अरे मेरी टांग की तरफ देखो, ये उन्हीं के इंतकाम का नतीजा है जिन्हें तुम मोहब्बत के तोहफे में अपनी बेटी देने जा रहे हो। इससे तो अच्छा है कहीं डूबर जाकर लगाम दो अपनी जुबान को, कह दो वरना। वरना क्या, तुम्हारी खातिर नाकारा हो जाने का मातम मैं आज तक मना रहा हूं और इसी गम को जिंदगी भर भांग पी पी कर भुला रहा हूं। इसी वजह से आज तक मेरा घर नहीं बसा और तुम दुश्मनों का घर बसा रहे हो। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, सारा गांव उन कमीनों के खिलाफ है। एक तुम ना सही, सारी बिरादरी जो मेरे साथ है वो अगर इस गांव में बारात लेकर आए तो वापस जिंदा नहीं जाएंगे। जिंदा बच के आ गया तू, यही गनीमत है। इसके बाद भी अगर तुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है तो ये तेरी बेवकूफी है। चूचक चौधरी को उनकी बेटी की मोहब्बत और आदम चौधरी ने बिल्कुल बदल दिया है। देख रहा हूं मैं, तेरी ये चोटे इसी बात का सबूत है। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को पिघलते हुए देखा है। देख दी दो, अगर तू दुश्मनों के घर से यूं बचकर ना आया होता तो शायद हम लोग तुझे कभी माफ ना करते। ये गिले शिकवे बाद में भी कर सकते हैं, पहले इस मसले का हल कर लें। इस मसले का हल तो यही है कि रिश्ते के पैगाम की बजाय उन कमीनों के पास इंतकाम का पैगाम भेजा जाए। इसकी एक एक चोट का हिसाब देना होगा। खुदा के लिए अपने इंतकाम को मेरी मोहब्बत में मत उलझाओ। मेरी हीर मेरे इंतजार में अपनी सांसें गिन गिन कर जाने कैसे एक एक दिन सदियों की तरह गुजार रही होगी। चूचक चौधरी आप ही है ना? हाँ भाई मैं ही हूँ, तुम कौन हो? मैं तख्त हजारे से मौजू चौधरी के बेटों का पैगाम लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। अरे भाई कोई पानी वानी लेकर आओ। चूचक चौधरी, तुम्हारी बुजदिली और बेगैरती की हम कदर करते हैं। तुम्हारी बेटी ने भी ये बेहयाई शायद तुम ही से विरासत में पाई है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो हमें कहां बख्शेगी। इतनी दुश्मनी के बावजूद तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बेटी से हम अपने भाई का रिश्ता कर लेंगे। तुम्हारे खानदान से रिश्ता तो दूर, हम थूकना भी पसंद नहीं करते। लानत के साथ तुम्हारे दुश्मन के बेटे। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे लिए कोई हुकुम है चौधरी साहब? तेरी जगह अगर मौजू का कोई बेटा आता ना तो इस हद की तरह मैं उसे चीर फाड़ देता। चल जा, चल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूँ। दबाओ दे यहाँ से।
ये झूठ है। इस खत के पीछे किसी की चाल लगती है। वो जरूर आएगा, अपने खून के रिश्ते भी तोड़ के आएगा। अब्बू को समझाओ अम्मी, इतनी जल्दी कोई फैसला ना करे। अरे फैसला करने के लिए तूने मुझे अब छोड़ा ही कहाँ है? तेरी मुस्कुराहट जिंदा रखने के लिए मैंने अपनी खुददारी को अंदर किस तरह से मार डाला है मेरा ईमान ही जानता है। सारी जिंदगी दुश्मनी करता करता मैं कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारा। आज आज तेरी वजह से मेरे घर में मुझे मात देकर चला गया वो, तुक के चला गया मेरे मुंह पर, तुक के चला गया वो। तेरा बाप होने की सजा भुगत रहा हूँ मैं। अब्बा, मेरे अच्छे अब्बा, ये कुदरत हमारा कोई इम्तिहान ले रही है, तो मेरा थोड़ा साथ और दे दो। इस खत को भिजवाने में जरूर किसी की कोई चाल लगती है, वो भी मेरी तरह अपने भाइयों को मना लेगा। बस हमें थोड़ी और मोहलत दे दो। हीर के अब्बा, जहाँ इतना बड़ा कदम उठाया है, बस थोड़ी देर राह और देख लूं। किस मुंह से और राह देखूं? किस मुंह से? वो नामुराद कह दो, सारी बिरादरी को उकसाता घूम रहा है। कल सबको इकट्ठा करके यहाँ ले आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं? निहत्ता हो गया हूँ मैं, बिल्कुल निहत्ता हो गया हूँ। शाबाश बग्गू। लड़ने वाले को निहत्था कर देना भी आधी जीत के बराबर होता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर। मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो बताइए। जरूरत पड़ी तो दोबारा याद करूंगा। अभी तो पिछले रास्ते से चला जा। एक बात का ख्याल रखना, जब तक मैं ना बुलाऊं इस गांव के आसपास कभी दिखाई मत देना। जाओ। बेहतर हुजूर। अब तो गर्म लोहे को बिरादरी के हथौड़े की चोट की सख्त जरूरत है। चौधरी, एक तरफ तुम्हारी वो पागल लड़की और दूसरी तरफ पुश्तों से चली आ रही तख्त हजारे के साथ दुश्मनी। अब बोलो चौधरी, तुम अपनी लड़की के साथ दुश्मनों के पास जाओगे या फिर हमारा साथ दोगे? बोलो चौधरी, बोलो। मैं जज्बात के अंधेरे में इस तरह से घिर गया हूँ कि मेरे पास कोई जवाब नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि मेरे घर में लगी आग को बुझाने वाले मेरे अपने ही तमाशाई निकले। लो और सुनो, अब हम तमाशाई हो गए। ये क्यों नहीं कहते चौधरी कि तुम जौदाई हो गए? चाचा, तुम खामोश रहो, कह दो। हमें बुलाया है तो हमें ही बात करने दो। हाँ तो चौधरी, अब बताओ, तुम हमारी तरफ हो या अपनी बेटी की तरफ? यार अब आज किस चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है तूने मुझे? जहां एक तरफ तो मेरी बदकिस्मत बेटी झोली फैलाए खड़ी है, तो दूसरी तरफ मेरा बदबख्त भाई अपनी वफादारी का हिसाब मांग रहा है। एक तरफ बिरादरी है तो दूसरी तरफ शरीयत है। मैं इस चौराहे पर बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मेरे मालिक। नहीं अब्बू, इस चौराहे पर तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपना रास्ता मालूम है। छोड़ दो मुझे। अंदर जाना मुरादे, मेरा कुत्ता लिहाज कर। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई बच्चाते? तू अंदर जा वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल अंदर। है क्या कुत्ता? हमको गैर तो नहीं है, ये हमारी भी बेटी की तरह है। मैं इससे बात करूंगा। देख बेटी हीर, इन्हीं करतूतों की वजह से सोनी को दरिया में डुबो कर मार दिया गया था। इन्हीं करतूतों की वजह से सस्सी को रेगिस्तान में भून दिया गया था। अपनों से बगावत करने वाली औलाद के साथ सदियों से जो होता आया है उससे कुछ सबक सीख, वरना तेरा भी वही अंजाम होगा। किसी बात को तो रोना है काजी जी, आप लोगों की रोहों में जंग लग चुका है। कल जिस सस्सी और सोने को आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने अपनी नफरत की आग में झोंक दिया था, आज उसी सस्सी और सोने की मोहब्बत के गीत गाते हो, उन पर बीते कहर की कहानियां सुनाते हो, और अब आप लोग मुझे भी उसी आग में झोंक देना चाहते हो। नादान लड़की, बागी औलाद को तो खुदा भी माफ नहीं करता। तेरा ये गुरूर और तेरी जिद तेरी जान लेकर छोड़ेगी। अरे बदनसीब, होश कर, ये सोने जैसी जिंदगी नसीब से ही मिला करती है। आपकी नसीहत लेने से पहले मैं बिरादरी का हर ठेकेदार से पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी कभी ना कभी कोई हीर नहीं रही, जिसको उसने जी भर के चाहा नहीं। मैं इस बुजदिलों के शहर में ऐलान करती हूँ कि मैंने मोहब्बत की है, कोई पाप नहीं किया। बेगैरत बदसात, मैं तुझे जिंदा तक ना दूंगा। छोड़ दो मुझे।
जिस जमीन पर बेटी का ये हाल होगा वहाँ रब का कहर बरसेगा। रब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जाना मुझे। तौबा, तौबा, तौबा। ये बेटी नहीं बला है, बीमारी है। हाँ विलासुवा, इसका जुनून हम सबको तबाह कर देगा। इसकी देखा देखी हमारी बेटियां भी सर उठाएंगी। आज किसने हम पर थूका है, कल हमारी बेटियां थूकेंगी। पानी सर से गुजर चुका है, इससे पहले कि ये तूफान इस घर के साथ साथ पूरे गांव पे कहर ढा दे। चौधरी फौरन इसका निकाह कर डाल। मगर किसके साथ? सैदे के साथ। उससे बेहतर घर इस गांव में शायद ही किसी को मिल सकता है। इधर हमने हां की और उधर वो बारात लेकर आए। यार अब मुझे माफ कर दे, शायद इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है, कहे तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तीतो, तीतो, तीतो। ओए उन दगाबाजों का नमक खा खा के तेरी मत मारी गई है, जो तो दुश्मन की बेटी के लिए अपने खानदान अपने भाइयों तक को छोड़े पर आमादा है। अभी तक तो उन कमीनों की तीवी चोटों के निशान भी बाकी है और तू फिर वापस मौत के मुंह में जाना चाहे। मौत के मुंह में तो शायद वापस आ गया, वहां मेरी जिंदगी मेरी राह देख रही होगी। उसके बगैर जिंदा रहना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, खुदा जाने उस पर वहां क्या गुजर रही होगी। दे दो। ये बारात नहीं, किसी की मैयत में शामिल होने वाले लोगों का जमघट लग रहा है मुझे। जहाँ काजी बिक गया हो वहाँ मैयत ही निकलनी हुई ना। बेड़ा गर्क हो उस मुए कैदो का, ये सब करतूत उसी की है। मुझे तो सबकी मिली भगत लगती है, वरना निकाह पढ़ते वक्त हमें हीर के पास ना बैठने दिया होता। बैठने कैसे देते, जबरदस्ती हाँ करवाते हुए शर्म जो आती होगी उन्हें। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हाँ करेगी। क्यों करूँ हाँ मैं? क्योंकि तुम चाहते हो, बिरादरी चाहती है, ये लोग चाहते हैं। ये निकाह मेरा है, हाँ या ना कहने का हक सिर्फ मुझे है, जो मैं इनकार करती हूँ। हम साथे, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। नहीं, तू हाँ करती है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे मार डालो, जहर दे दो, मगर मेरी मोहब्बत में जहर मत घोलो। मोहब्बत दिल की बेलगाम ख्वाहिशों का नतीजा, जवां खून से उठे जोश का एक उबाल, शरीयत के खिलाफ बगावत का सीधा ऐलान। देख लड़की, अब ये तेरा जाती मामला नहीं है, शरीयत से बेअदबी सारी बिरादरी की खुलेआम बेइज्जती है, जिसकी सजा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे दुनिया की हर सजा मंजूर है, मगर अपने रांझे से जुदा होना बिल्कुल मंजूर नहीं। हम तुझे जिंदा गड़वा देंगे। मंजूर है। हम तुझे पागल कुत्तों से नुचवाएंगे। मंजूर है। हम तुझे अंगारों की सेंट पर लिटवाएंगे। मंजूर है। तुझे दोजख की आग में जलाएंगे। मंजूर है। हम तुझे मुझे सब मंजूर है, वो सब सजाएं भी मंजूर है जो तुझे याद नहीं, मगर खेड़ों के साथ जाना मंजूर नहीं। लड़की तूने अभी तक शरीयत के कोड़ों की मार नहीं देखी। अरे दो जहां के अंधों, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की सच का आईना कैसे दिखाऊं? तुम्हें ये जहां की पड़ी है और मुझे किसी और जहां की कसर तुमने भी नहीं उठा रखी, और बस में मेरे भी नहीं। बंद कर बकवास, अब ये बारात यहां से यूं नहीं जाएगी, डोली में तू जाएगी या तेरी लाश। लाश ही जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। सुल्तान अपने अब्बा को बुला, ये बेहया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यार अब ये कैसी गुस्ताख लड़की है, अपने मजहब और अपनी शरीयत का जरा भी ख्याल नहीं। जिसे शरीयत के नाम पर अपना ईमान बेचकर क्यों शरीयत को बदनाम कर रहे हो? मेरा इश्क मेरी शरीयत है, मेरा मजहब है, हर मजहब के बुनियाद मोहब्बत है, और मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं। ऐसी मोहब्बत जो खुदा से ना हो वो पाप है लड़की। मोहब्बत तो वो शे है काजी जो इंसान को भी खुदा बना देती है। मेरा रांझा मेरा खुदा बन चुका है, मुझे उसकी इबादत करने दो। मेरी इबादत में दखल देने वाला हर शख्स मेरी नजर में काफिर है। नूर जहां की लानत तुझ पर, तूने हमें काफिर कहा, कहा है चौधरी।
तबीयत ठीक नहीं थी बेटी की, शायद इसीलिए देर हो रही है। आप अपनी जगह सही होंगे चौधरी जी, मगर इंतजार की भी हद हुआ करती है। मुझे तो मेरा निकाह मजाक बनता नजर आ रहा है। ना बेटा, ऐसा मत कहो। देखो चौधरी, अब हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे हमको बारात वापस ले जानी पड़े। अरे चौधरी, ऐसा कदम मत ढाना नाना। अब्बा जरा यहाँ आइए। मैं अभी आया। मुझे तो आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो जाते जाते हम इन कमीनों को भी किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। अबू, अबू मेरे अच्छे अबू, मुझे बचा लो। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे बचा लो अबू, मुझे बचा लो। मैं तो खुद को बचाने के लिए तेरे आगे चोली फैलाने आया था। मेरी पछड़ी, अपनी हाँ मुझे खैर समझकर दे दे। अबू, नहीं अबू, नहीं। तेरा अब्बा आज तेरे दर पे खड़ा एक भिखारी है। मैं अपनी पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ। तेरी मर्जी है अब, चाहे तू इसे ठोकर मार दे, चाहे मुझे जिंदा रहने की मोहलत बख्श दे। नहीं अब्बू, नहीं, नहीं, नहीं। आज तेरी डोली ना उठी तो सारी बारात मेरे जनाजे में शामिल होगी। काजी देर मत करो, बाप की पगड़ी वापस उसके सर पे रखने का मतलब इसकी हाँ समझो। तुम बाहर जाकर इसकी हाँ का ऐलान कर दो, वरना खेड़े चले जाएंगे। बकर, अगर मगर का वक्त नहीं है, अगर आज ये निकाह नहीं हुआ तो कल तुम्हारी कौन मानेगा? जल्दी करो। बकर, कोई गवाह तो चाहिए। अरे सुल्तान है हमारे पास गवाह। देर मत करो वरना खेड़े चले जाएंगे। ये लो जाओ। मुबारक हो, मुबारक हो, उसने अपनी खुशी से हाँ कह दी। मेरे रब्बा, कयामत का मंजर भी इसे कम डरावना होगा। उसमें छुटकारे की उम्मीद तो होती है, यहाँ तो कैद का काफी काफी चारों तरफ। रोले अजी भर के, जाने फिर कभी गले लग के रोने का मौका मिले ना मिले। उसे कहना मेरा निकाह नहीं, फातिहा पड़ा गया, जनाजा लेके खेड़े, वही अपनी कब्र में मैं उसकी राह देखूंगी। मुबारक हो अम्मी, अपने दूध में लगा दाग तो तूने आज धो लिया, मगर तेरे रूह पर लगा मेरी मोहब्बत के खून का दाग कभी नहीं धुलेगा, भले ही तू जिंदगी भर आंसू बहाकर देख लेना। शरीयत बेचकर दलाली खाने वाले नीच, कयामत के रोज तुझे अपनी इस नीचता का हिसाब देना होगा। ऐ खुदा, अगर तू कहीं है
तो मेरी मोहब्बत के सच का आईना दिखाए इसे, ताकि इसे पता चले कि इसकी शक्लें नहीं, नीयत भी कितनी घिनौनी है। वाह वीरा, भाई तो सदियों से बहन की हिफाजत की मिसाल रहा है, आज तूने उसे भी झुठला दिया। एक दिन तुमने मेरी खुशी के लिए अपने खून के घूंट पीकर रांझे से मेरे रिश्ते की खामी भरी थी, आज मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत के खून का घूंट भर के खामोशी का कफन ओढ़ लिया। किसी जहां में हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। अलविदा। रांझे, और रांझे तुम आ रहे थे पूछ लाके, कहाँ थे इतने दिन तक? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हीर कैसी है, कभी मिली? मिली भी नहीं और कभी मिलेगी भी नहीं। क्यों? तुम तो लौट कर आए नहीं और वो कैदो जाल बिछाता रहा, खेड़े आ गए बरात लेकर, डोली उठ चुकी होगी अब तक तो। क्या? हाँ। देखो कहाँ है मेरी हीर? अब आए हो तुम जब सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो है कहाँ? वो बोल गई है उसका निकाह नहीं, फातिहा पड़ा गया है, जनाजा ले गई खेड़े, वो वही कब्र में तुम्हारा इंतजार करेगी। मेरे खुदा के फरिश्तों, आग से भरे अपने इलाही दरियाओं को उलट दो, सारी खलकत को
अपनी इलाही लपटों से झुलसो, जर्रे जर्रे पर अंधेरों के पार गिराओ, रोशनी को हमेशा के लिए दफन कर दो, आसमान को फाड़ कर उसके चीथड़े कर दो, धरती की फाके करके दोजख के चूल्हों में झोंक दो, हला से अपनी लंबी बाहें लटकाओ और मुझे अपने नूरानी वजूद में पना दे दो, मैं बिखर चला हूं, मुझे समेट लो, मैं पना हो गया हूं, मेरी खाक को अपने कदमों में जगह दे दो, अपने कदमों में जगह दे दो, अपने कदमों में जगह दे दो। तेरी खूबसूरती के जितने चर्चे सुने थे उससे भी कहीं ज्यादा तेरी बदकारी मशहूर हो गई है। अपने उस नौकर यार के साथ तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं सब सुन लिया था मैंने लोगों से, मगर फिर भी तेरी काली करतूतों को चांद में लगा दाग समझकर मैंने ये जहर का घूंट भर लिया। पर अब तेरी इस बेहयाई से तो यूं लगता है जैसे कि मैं कोई कंजरी ब्याह लाया हूं। कंजरी हूं तो नहीं, तुम बना भले ही दो, मर्द हो, औरत की तुम्हारे सामने क्या बिजात, हिम्मत करो, लूटो पराई अमानत को और बना दो मुझे कंजरी। ओफ ये बकवास बंद कर, ये तकरीर तू अपने दोगले माँ बाप को सुनाती, उस कमीने काजी के आगे इसका रोना रोती, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अगर किसी से इश्क किया तो तूने, उससे तेरा रिश्ता जोड़ा तो तेरे माँ बाप ने, निकाह पढ़ा तो काजी ने, लिखा पढ़ी की तो वकील और गवाहों ने, जबरदस्ती की तो वो भी तेरे अपने सगों ने, मैंने कोई चाल नहीं चली, मैंने किसी का हक नहीं लूटा तो मेरे सब के लिए कसूरवार मैं ही क्यों। तुमने सब कुछ जानते हुए अभी मुझसे निकाह करना चाहा, अगर तुम ही इनकार कर देते तो शायद ये नौबत ही ना आती, तुमने अपना तो सोच लिया मगर हमारा नहीं सोचा, देखो हमारा इश्क रबी फरमान है, हमें जुदा करके रब की रजा मत तोड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे रांचे को सौंप दो। कैसे सौंप दूं, सारी बिरादरी में अपनी नाक कटवा दूं, अपने खानदान की मिट्टी बलिद कर दूं, वही रिश्तेदार यार दोस्त बहन भाई जिन्होंने मेरी शादी में भंगड़े डाले थे मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे, सारा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझ पर थू थू करेगा, नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे, इसे भी उसी रब की रजा मान, इस तरह से जिंदा रहने का फैसला एक समझौता होगा, तुमसे शादी करने का मेरा फैसला भी एक समझौता ही था, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं कोई और समझौता भी कर लूं, मगर खावन तुम्हें मुझे ही मानना पड़ेगा। मेरी बदनसीबी यह है कि तुम दोनों की मोहब्बत दो तरफा रही और मेरी चाहत एक तरफा थी, वरना किसी और की जूठन बटोरने का हौसला मैं कभी ना समेट पाता। भाभी नी, भाभी भाभी क्या हुआ, आखिर सब ठीक तो है ना, भाभी मेरा भाई पसंद नहीं आया क्या? मुझे तो ये जहां ये रास नहीं आया, मेरे लिए तो अब मातम ही मातम है, तू जा के खुशी के गीत गा। बहुत गाली है खुशी के गीत, तुम बताओ बात क्या है, सैदा कुछ उल्टा सीधा बोला क्या? जब मेरे नसीब ने ही इतना उल्टा रुख ले लिया तो किसी के उल्टा सीधा बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, गलत सही सब कुछ अब एक सा लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दिल किसी और को दे आई हो और डोली तुम्हारी कोई और उठा लाया है? देखो भाभी, कई बार घूप अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा जुगनू भी सही रास्ता दिखा जाता है। अरे ये सेती कहाँ चली गई? कहीं अपने मुराद के साथ तो नहीं भाग गई? ये मुराद कौन है? मुराद कौन? मुराद
अपना मुराद छुपाती हो और मेरे के सुराग ढूंढ रही हो। भाभी, क्या तुम भी मेरी तरह किसी के इश्क में? नहीं भाभी, नहीं। हौसला रख, रब जाने तेरी ना उम्मीदियों के अंधेरे में शायद मैं ही वो जुगनू बनके तुम्हें कोई रास्ता दिखा दूं। बस तू रब से अपने उसकी खैर मांग। मेरी तो हर सांस उसकी खैर मांगने और राह देखने के लिए अटकी है। रब उसका रहबर बने। खत्म आखिर ये मोहब्बत का फसाना हो गया, हीर की डोली गई, राजा दीवाना हो कुछ छीना। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे, मर जाना है। मिल गया खुदा भी दुनिया से, बस ये शिकवा कर जाना है। नहीं जीना मुझे, मर जाना है। Yeah।
बच्चा कौन हो तुम? क्या कष्ट है तुम्हें? मुझसे मेरा रब छिन गया है बाबा, मेरा खुदा खो गया है। जिसका रब गुम जाए ऐसे शख्स को देखा है आपने? नहीं देखा तो मुझे देख लीजिए। नहीं बच्चा, रब अपने चाहने वालों की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, बल्कि मेहंदी के रंग की तरह चाहने वालों में समाया रहता है। उसके नजर ना आने का अर्थ है चाहने वाले की चाहत में कहीं कोई खोट है। मेरी चाहत में कोई खोट नहीं है बाबा, वो मेरे भीतर रहकर भी मुझसे बहुत दूर है, किसी गैर के कब्जे में, मेरी पहुंच से परे। मैं अपने नसीब की टहनी से टूटा हुआ एक जर्द पत्ता हूं बाबा, फिर वही जुड़ने का जुनून शायद मुझे यहां तक खींच लाया है। उसके बगैर मेरी पहचान तक खो चुकी है। मुझे एक नई पहचान चाहिए बाबा, ऐसी पहचान कि उसके अलावा मुझे और कोई ना पहचान सके। मैं उसे आवाज दूं तो सिर्फ उसी को सुनाई दे। तेरे इन बातों के पीछे छुपा हुआ रहस्य किसी और रब की ओर इशारा कर रहा है बच्चा। तनिक ठहर, हम अभी तेरी विरक्ति और निराशा के लिए उत्तरदायी वास्तविकता की ओर प्रकाश डालते हैं। मेरी दुआ में कोई कमी है क्या? तेरे सुनने में फर्क है? मुझे कुछ तो बता, क्या तू भी बदल गया रब्बा? मैं किस तरह से सजदा करूं, कैसे दुआ करूं कि तुझे ना सही अपने राज्य को तो सुनाई दो। सांसारिक मोह माया आत्मा को खोखला कर देती है बच्चा। अपने बैरागी मन को सच्चे रब की ओर लगा, तुझे शांति मिलेगी। मेरा मन तो मेरी हीर के साथ है बाबा, पहुंचना तो मुझे भी उस रब तक है, लेकिन मेरा रास्ता मेरी हीर से होकर जाता है। वो मेरे लिए रब तक पहुंचने वाली सीढ़ी का पहला पायदान है, खुदा के दर का पहला मोड़ है और अल्लाह पाक के नाम का पहला हर्फ है। वो ना मिली तो मुझे रब का क्या करना? आपको तो अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है बाबा, आप अपनी रहमत से मुझे नवाज दो, मुझे नवाज दो बाबा। हौसला रख भाभी, रब भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करना जानते हैं। फिर तकदीर कब करवट बदल ले किसे पता। अब मैंने कहां सोचा था कि आज ही मुझे मेरे मुराद का पैगाम आ जाएगा। हाँ, दरअसल मैं यही कहने आई थी कि आज मेरी निजात का वक्त आ गया है, अब हम दोनों को बिछड़ना होगा। काश तुम्हारा रांझा भी आ गया होता तो हम दोनों यहां से एक साथ निकल जाते। मुबारक हो, तेरे जाने की बात सुनकर जितनी खुशी हो रही है उसे कहीं ज्यादा अपने अकेले रह जाने का गम। रब्बा, इस गुप अंधेरे में मेरी उम्मीद का ये झुकनू भी छीन चलाया मुझसे, मुझे भी कोई रास्ता दिखा, कोई ऐसी जगह सोचा जहां खड़ी होकर मैं अपने रांझे को पुकारूं। हे राजा, तू कहां रह गया, कहां खो गया? तेरी राह तक तक मैं हार चली रंजना, मैं हार चली रंजना।
दुनिया में क्या सबसे पुराना, लोग कहें पत्थर का जमाना। अलग निरंजन, ये अलग कहीं और जाके जगा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, कहीं मेहनत मजदूरी करके क्यों नहीं खाता? इस तरह से भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना हक लेने आया हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक तो भीख मांगता है और ऊपर से हक जताता है। हक क्यों ना जताऊं, ये सारा कसूर उस ऊपर वाले का है। पता नहीं क्यों हमारे नसीब में लिखे रिजक को सारे जहां में बिखेरता रहा है। अब हम उसी के बिखेरे दाने दाने को इकट्ठा करते फिर रहे हैं। तुम्हारे घर के जाने किस कोने में पड़े, किस नग किस दाने पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वही ले जाऊंगा मैं। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर उसमें इतना ही यकीन है तो उसी से क्यों नहीं मांगता, यहां क्यों झोली फैलाए खड़ा है? ये भी तो उसी की रजा है। तो फिर उसी की रजा समझ कर यहां से दफा हो जा। न मेरा उसमें यकीन है न उसकी रजा में। बहुत बेजार हो खुद से भी और जिंदगी से भी। यूं ही तो किसी का रब से यकीन नहीं उठ जाता। इश्क की आग में दहकता हुआ शोला ब्याल आए हो, घर जलाओगे? अब भी समझ जाओ वरना जल के राख हो जाओगे। अच्छा तो कमीने गांव वालों ने तुम्हें भी ये पाठ पढ़ा दिया, मगर उनसे कह देना कि अगर सुबह तक मैंने उस इश्क की आग में दहकते हुए शोले को सर्द स्याह कोयले में तब्दील ना कर दिया तो मेरा नाम भी सैदा नहीं। अब ये खैरात लो और यहां से दफा हो जाओ। ये लो बाबा। ये जोगी उस घर से कभी खैरात नहीं लेता जिस घर में किसी की झोली पहले से खाली हो। इस घर के जर्रे जर्रे में किसके आंसू जज्ब हैं, कोने कोने में किसकी सिसकियां कैद हैं। इश्क की आग में दहकता हुआ ये कैसा शोला है जिसकी आंच यहां तक आ रही है। आप यहीं ठहरिए, मैं भी आई। भाभी बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, आओ। ये मेरी भाभी है, बहुत नाउम्मीद हो चली है, इसे कुछ बताइए। इसकी नाउम्मीदी के पीछे एक लंबी कहानी है। इसने इश्क तो किया लेकिन उसे परवान नहीं चढ़ाया। साथ जीने मरने के वादे करके कसमें खा के उसे रोता बिलकता पीछे छोड़ाई। तेरे हिजर में सब कुछ छोड़कर मैं जोगी हो गया हूं हीरे। मेरे रांझना, मेरे रांझना। रांझना
अगर मेरी जिंदगी एक पुत हुआ और ये जहां दोजख का रंजना, पर उसकी आग में मुझसे भी ज्यादा तू झुलस गया। अब मुझे यहां से ले चलो, अब मुझे यहां से ले चलो रंजना, अब मुझे यहां से ले चलो। नदी कहां रह गई तू? अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है। आई अम्मी, तुम काले बाग में हमारा इंतजार करना, मैं इसे लेकर वहीं आऊंगी। आओ भाभी, चलो चलो भाभी, चलो भाभी। आई अम्मी, मैं वारी जाऊं, आज पहली बार बहू के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रही हूँ। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी शुक्र तो उस जोगी का मनाओ जिसके फूक मारते ही भाभी की मुस्कुराहट लौट आई। मगर उसने कहा है कि आज पूनम का चांद निकलने से पहले अगर भाभी काला बाग जाकर उसकी धुनी सेक ले तो भाभी की ये मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। अगर ऐसा करने से हमारे घर की खुशहाली वापस आ सकती है तो हमें और क्या चाहिए। तुम लोग आज शाम को ही चली जाओ। ये कौन है? ये आशिक, हमारी तरह। सुभान अल्लाह, हम लोग चले? जरा ठहरो। हीर, अब तुम लोग देर ना करो, जल्द से जल्द जितनी भी दूर हो सके निकल जाओ, नहीं तो सैदा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी मायूसी किसी यहां रात में मुझे मेरा रास्ता दिखाने वाले मेरे जुगनू, तेरा ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, कभी नहीं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बदकार का खावंद हूँ। नहीं हुजूर, मेरा असली खावंद तो मेरा रांझा है। मैं इस बेहया को ब्याह कर लाया था। तुम लोगों में से कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला यहाँ नहीं, हमारे महाराज के दरबार में होगा। तो एक तरफ निकाह है और दूसरी तरफ इश्क, यानी एक तरफ शरीयत है और दूसरी तरफ बगावत, एक तरफ मसला दुनियावी है और एक तरफ रूहानी। बात काफी हद तक साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे फैसला सुनाने से पहले अगर आप लोग अपनी तसल्ली के लिए इस मसले पर और रोशनी डालना चाहें तो आपको इजाजत है। बादशाह सलामत, यह आदमी फकीर के भेष में शैतान है, फकीरी अदब के माथे पर कलंक है, ये दोनों जहां का गुनाहगार है। अगर इसे इसके गुनाहों की सजा ना मिली तो आवाम का इंसाफ से यकीन उठ जाएगा। ऊंची आवाज में शोर मचाकर झूठ को सच और सच को झूठ साबित नहीं किया जा सकता सैदा, सच सच और झूठ झूठ। फर्क सिर्फ इतना है महाराज कि हमारे इश्क का सच किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके निकाह का झूठ शरीयत के अंधेरे का सहारा पाकर पनपता रहा। अगर आज मेरा और हीर का भाग जाना गुनाह है तो हम दोनों के प्यार के बारे में जानते हुए भी इसका हीर को ब्याह कराना गुनाह नहीं था? इस दुनिया में हर वो बात गुनाह समझी जाती है महाराज जो यहाँ की रिवायतों के खिलाफ हो। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मिल सकते दो दिल?
दो जिस्म दो जहां, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से। क्यों जरूरी है शरीयत की बाढ़, बिरादरी की मंजूरी और काजी का ठप्पा? क्यों? मैं बताता हूं बरखुरदार, आलमपना का इकबाल बुलंद हो। मैं ही वो काजी हूं आलमपना जिसने सहदे का हीर के साथ निकाह पड़ा। शरीयत के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए और गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था आलमपना, और अब सहदा ही हीर का असली खाविंद है। मैं और कुछ ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये शख्स एक बागी है। बागी होना तो अपने आप में गुनाह है ही आलमपना, मगर इसने शरीयत की तौहीन करते हुए उसे तोड़ने का एक और भी संगीन जुर्म किया है। मैं इस शरीयत के ठेकेदार से ये पूछना चाहती हूँ महाराज कि जो कुछ इसने हमारे साथ किया क्या वो संगीन जुर्म नहीं था? रिश्वत लेकर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती किसी गैर मर्द को सौंप देना जुर्म नहीं था? और सबसे बड़ा जुर्म इसने ये किया है कि मैं नाम ना की दुआई देती रही और इसने रिश्वत लेकर मेरे रजामंदी का ऐलान कर दिया। तौबा, मुझ पर इतनी गंदगी, ये तोहमत, ये इल्जामात, आलमपना, इस गुस्ताख की बातों में कितनी सच्चाई है इसका सबूत तो आपको इसके अपनों की गवाही से मिल जाएगा जिनके सामने इसका निकाह पढ़ा गया था और इसने हाँ कही थी। हरगिज नहीं। पहले गवाहों को पेश किया जाए। मेरा पहला गवाह कैदो चौधरी है आलमपना, जो इस लड़की का सगा चाचा भी है। क्या तुम्हारे सामने इस लड़की ने अपनी खुशी से सैदा के साथ निकाह के लिए हाँ की थी? किया जा बना। नहीं, ये झूठ है। मुझे तो हैरानगी है कि अब इसने ये गलत कदम उठाया कैसे। जहां बना, अगर इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तभी मना कर देती। दूसरा गवाह बुलाया जाए। दूसरा गवाह सुल्तान चौधरी है, जो इस लड़की का सगा भाई है। क्या इस लड़की ने तुम्हारे सामने निकाह के लिए रजामंदी जाहिर की थी? बोलो। बादशाह सलामत, मैं आपकी इजाजत से अपने भाई से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ भी कहने से पहले अपनी जमीर की आवाज जरूर सुन लेना और एक बार अपनी बहन की आंखों में जरूर झांक लेना, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी हाँ ना या सच और झूठ का नहीं, भाई बहन के रिश्ते का भी है, भाई पर बहन के यकीन का भी है। अगर आज ये यकीन टूट गया तो भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने खून के रिश्ते का वास्ता देती हूँ, जो सच है वो ये कहना। देखिए आलमपना, आपके सामने ही ये गुस्ताख लड़की अपने भाई को फुसलाने की कोशिश कर रही है, खून का वास्ता दे देकर उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है। और ना जाने। नहीं महाराज, झूठ बोलने से रोक रही थी ये मुझे। हाँ महाराज, सच बोलने को कह रही थी। सच ये है महाराज कि हम लोगों ने जबरदस्ती इसकी शादी की थी। अब तो रब भी हमें माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा रब हमें माफ। और कोई दलील देना चाहेंगे आप? आलमपना, अगर इस गुस्ताख की आंखों में आंसू देखकर एक भाई गवाही देने से मुकर गया है तो क्या हुआ? कैदो है, मैं हूं, पूरी बिरादरी इस बात की गवाह है। दुनिया की कोई ताकत भी इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती कि हीर का निकाह सैदा से हुआ था। अगर इसकी तरह मैं भी गैर जिम्मेदारी दिखलाते हुए आलमपना सच को झूठ और झूठ को सच बनाने लगूं तो शरीयत महज एक मजाक बनकर रह जाएगी। घर घर में हर बहू बेटी इश्क करने निकल पड़ेगी। आलमपना, आपने कभी इश्क किया है? जी जी, मैं कुछ समझा नहीं आलमपना। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कभी इश्क किया है। जी नहीं आलमपना, मैं भला कैसे इश्क कर सकता हूं? क्यों,
आप इंसान नहीं हैं? जी इंसान तो हूं, पर इश्क कभी नहीं किया। खुदा के साथ भी नहीं? जी खुदा के साथ, हाँ आलमपना, खुदा के साथ तो इश्क किया है। तो फिर आपको खुदा मिला? मुझे लगता है आलमपना शायद मुझे खुदा मिला तो था। शायद जैसे दुविधा भरे शब्द हमें पसंद नहीं, आपको खुदा मिला या नहीं इसका हाँ या ना में जवाब दो। जी हाँ खुदा मिला जहाँ पना। किसी और को इस बात का पता है कि आप खुदा से मिले? खुदा आखिर खुदा है जहाँ पना, उसके मिलने का भला और किसी को कैसे पता चल सकता है। कमाल है, कहते हैं सच्चे आशिक और माशूक मिल जाएं तो उसी वक्त दोनों जहां में खबर पहुंच जाती है। ये दोनों मिले तो सारे जहां में शोर मच गया और आप चुपचाप खुदा से भी मिल लिए और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। जी वो मैं नहीं कि मैं क्या जानू आलमपना, अब खुदा की बातें तो खुदा ही जाने ना। तब तो खुदा ये भी जरूर जानता होगा कि आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए आलमपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं झूठे निकाह की तरह अपने इस झूठ को भी सच साबित करने की नाकाम कोशिश करता रहा, मैं दोनों जहां का गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आलमपना, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आलमपना। हमें अफसोस है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के बजाय खुद ही भटके हुए हैं। आपको माफ करने का हक भी हमारे पास नहीं है, इन बेगुनाहों के पास है। अगर आपने इन मासूमों की मोहब्बत को समझा होता तो आपको भी खुदा तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया होता। सच्चे इश्क की यही तो खूबी है कि कभी वो इंसान को खुदा बना देता है और कभी खुदा को इंसान के रूबरू लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी पाक रूहों के कदम इस जमीन पर कभी कभार पड़ते हैं, हम सबको मिलकर इनका खैर मकदम करना चाहिए और इनके निकाह की दुनियावी रस्म के बंदोबस्त की शुरुआत भी करनी चाहिए। कुदरत को अगर अपने चलन पर इतना ही गुरूर है तो आज मैं उसे तोड़कर दिखाऊंगा। ये शहनाइयां, ये जश्न, ये बाजे गाजे के उठते शोर को मैं मातमी सन्नाटे का ऐसा कफन ओढ़ाऊंगा कि आने वाली सदियां भी इधर से बिना किसी आवाज के चुपचाप दबे पांव गुजरा करेंगे। तुम लोग जाओ और जैसे मैं हीर के पास बैठूं लड्डुओं का थाल लेकर पहुंच जाना। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं चौधरी साहब, मेरी थाल में रखा सबसे ऊपर चांदी की वर्क वाला लड्डू उठाइएगा। बारात आ गई, मैं चलता हूं।
क्या बात है चाचा, क्या अब भी तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? कैसे खुश हो सकता हूं जब तक मुझे तू माफ नहीं कर देती। माफी किस बात की चाचा, ये तो अपने अपने असूलों की लड़ाई थी। मेरे असूल ही तो मुझे मार रहे हैं, और मैं मर भी गया तो मुझे चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू मुझे माफ नहीं करती थी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। ये क्या कर रहे हैं चाचा, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो सारे गिले शिकवे उसी वक्त भूल गई थी जब मुझे मेरे रांझे को सौंपे जाने का फैसला हुआ था। सच? हाँ चाचा सच। ओए मैं भारी भारी जाऊं, मैं सद के जाऊं, ओए तूने मुझे नई जिंदगी दे दी, ओए मैं मर जाऊं गुड़ खा के। गुड़ खा के क्यों छोटे चौधरी, लड्डू खा के कहिए लड्डू। हाँ क्यों नहीं, लड्डू खाकर मरने में मिठास और भी बढ़ जाएगी। मगर पहले ये तो बता कि लड्डू भेजे किसने हैं? तख्त हजारे वालों ने दुल्हन का मुंह मीठा कराने के लिए ये मिठाई और मेवे भेजे हैं। तब तो सबसे पहले इन पर हमारी बेटी का हक बनता है। ये ले, ये लिखा। चाचा तुम पहले खाओ। नहीं नहीं, ये तेरे रांझे ने भेजा है, इस पर तेरा हक पहले बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ बछड़ी, आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। चाचा आज मैं भी बहुत खुश हूँ। जल्दी जाके हीर को मिल, कैदों ने उसे जहर दे दिया है, तेरी हीर तो कहीं नहीं। सुल्तान ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हीर, लगता है फिर पापा ने हमारे बचपन के उस लुका छुपी वाले खेल को सच कर दिखाया, मगर तू ढूंढ लेगा मुझे।
जो फूल यहाँ पर खिल न सके दुनिया में मिल जाए।